हम लोग पढ़ पाए कल जो कल बात हुई थी तीन यार फिर इसको बोलते आगे पार्ट पीछे सपाट बोलते थे आगे कुछ पढ़ा पीछे का फिर गोल आए। अपनी एग्रीमेंट हुई थी ना एक पक्ष मिलेगा अपने को एक तिहाई। ठीक है कल कुछ तो लिखा था मैं कि क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को याद है ना। मुझे 5-1 मिनट में टिकट बुक करने जाना पड़ेगा। मैं सोचा तब तक आप लोगों के लिए 15-20 मिनट के लिए कुछ वो दे दूँ। समा 2 से हमने कहा कि प्रश्नोत्तरी करेंगे। सॉरी हाँ मुझे टिकट बुक करने उस हॉल में जाना पड़ेगा तो उसको पूरा करके आऊँगा मैं। तो अध्ययन के मुख्य चरण क्या है इस पर हम लोग बात कर लिया है ना। जो परिभाषा है अधिष्ठान के साक्षी में अनुभव के रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया। अधिष्ठान के साक्षी में और अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान किसका है अध्ययन करने वाले व्यक्ति का होता है। अनुभव की रोशनी जागृत मानव जो अध्ययन कराते हैं और मान लेते हैं कि सशरीर कोई जागृत मानव उपलब्ध नहीं है तो अनुभव मूलक दर्शन जो उपलब्ध है और जागृत मानव जीवन के रूप में तो रहते ही हैं तो कोई यदि अध्ययन करना चाहता है तो मैंने जो भी रोशनी है या प्रेरणा है ये प्राप्त रहता ही है। एक स्मरण पूर्वक स्मरण कहाँ रहेगा चित्त के स्मृति क्षेत्र में। इसलिए अध्ययन के लिए जो प्रथम चरण है वो है कि चित्त के स्मृति क्षेत्र में स्मरण आ जाए सही स्मरण आ जाए। ओके ठीक है इस एक लाइन को तो पहले जो अध्ययन का जो एक लाइन कर सकते हैं यदि इजी है तो कर लेना नहीं तो इस हैं तो कर लीजिए। और मैं बीच बीच में ये तुषार तत्काल के टिकट किए हुए पहले अच्छा चंद्रशेखर भैया आने वाले थे देखते हैं 5 मिनट्स प्रतीक्षा करेंगे उसके बाद लगभग 9:50 में यहाँ से चल दूंगा उस हॉल के लिए। वहाँ वो चल रहा है ना FWTH और यहाँ भी चल रहा है पटुवाला ज़्यादा फास्ट है मेरे को समझा नहीं 5G ये मैंने मोबाइल टेलीफोनी का प्रोटोकॉल है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जी नहीं है इट इज़ जस्ट स्पीड एंड जो फ्रीक्वेंसी होता है वायरलेस का वो 5 GHz वाला होता तो 5G क्या है मैं समझ नहीं पाया। जो 5G प्रोटोकॉल है वो वायरलेस टेलीफोनी का है अरे वो केवल उसके वो है भाई यू हैव द सेम हाँ ठीक है समझ में आ गया ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ना इनका तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है वो जो वायरलेस है वो 5 GHz को सपोर्ट करता है तो उस बैंड में इंटरप्शन कम होता है अन्य डिवाइसेस का वो उसका मतलब है। बट जस्ट क्विकली अब जहाँ नहीं मिटेगा मैं लिखता हूँ अधिष्ठान के साक्षी अनुभव के रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया प्रक्रिया एंड प्रयास। ओके तो ये हमारे पास अध्ययन की परिभाषा थी। अधिष्ठान क्या है अध्येता का आत्मा का साक्षी किस पर रहता है बुद्धि पर रहता है। अनुभव की रोशनी जागृत मानव जीवन या दर्शन बट बेसिकली जागृत मानव जीवन हाँ उसको साइलेंस कर देना। चंद्रशेखर का तो नहीं है
नहीं, ठीक है। जागृत मानव जीवन में स्मरण पूर्वक ये चित्त के चित्रण तो यहीं से कर लेंगे, समझ गया मैं। वो 5G 4G नहीं है, वो है मिसनोमर है वो। वही बोल रहे थे कि वो 5G है। आई जस्ट कनेक्ट हियर, एक मिनट। मेरी पत्नी और बच्चे को कल कहीं जाना है ना, टू मेक श्योर दे गेट टिकट। तो और अच्छा हो गया। हाँ जी, नहीं हम सफ़र नहीं, वो पुणे टू बेंगलोर जा रहे हैं, तो वो उद्यान एक्सप्रेस एक है, जनरली मिल जाता है। बट ओके, ठीक है, ये लोड होते तक विल कंटिन्यू टू डू दिस। या 20th, राइट। तो चित्त के चित्रण में स्मरण पूर्वक जो क्रिया होती है, क्रिया क्या होगी? साक्षात्कार कहाँ होगा? चित्त के चिंतन क्षेत्रों में, ओके, प्लस अध्ययन बोध, ओके। तो जिसको, अच्छा, जिसको अध्ययन कह रहे हैं वो बुद्धि में स्वीकारना है, इक्वल टू अध्ययन, ओके। तो ये यदि ना वर्किंग बैकवर्ड्स, क्या करना है हमको? चित्त के चिंतन क्षेत्र का, चित्त का प्रत्यावर्तन होके बुद्धि में वो स्वीकार हो जाए, वो अधिष्ठान के साक्षी में होगा, अनुभव की रोशनी में होगा। तो फिर हमारे लिए कार्यक्रम क्या बचता है? चित्त के में सही स्मरण को एस्टेब्लिश करना है। इसके जस्ट प्रीवियस स्टेज को सोचेंगे तो क्या होगा? तो इसका पूर्णाभास होना इक्वल टू मनन पूर्णता। हेंस जो प्रक्रिया हम एम्प्लॉय करेंगे दैट इज कॉल्ड मनन। क्या करने के लिए? ये जो साक्षात्कार की जो वस्तुएं हैं, ओके, उसके सेशन को जिंदा रखना पड़ता है, 3 मिनट में टाइम आउट कर देगा वो। ये जो साक्षात्कार की वस्तुएं हैं, है ना, वी वस्तु में हमारा मनन पूर्णता हो जाए, प्लस जीना भी वैसे रहे, तो इस प्रक्रिया का नाम है मनन। ऐसे यदि मनन करना है तो पहले आपको वो स्मरण चाहिए जिस पर आप मनन करेंगे, जिस पे कॉन्सेंट्रेट होकर साक्षात्कार होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्मरण को लोड करने का क्रिया है, इट इज कॉल्ड श्रवण, जिसमें विश्वास शब्द अर्थ, ओके, एंड तर्क, साथ में जीना। तो जीना इधर भी होगा, जीना इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इतना है हा? तो ये हो गया पठन, अर्थ आया तो श्रवण, तर्क जो है शोध पूर्वक इसी श्रवण को स्थापित करता है, ये अध्ययन विधि है। इसीलिए श्रवण मनन निरिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया ही इक्वल टू अध्ययन, राइट। पूरा जब कंबाइन हो जाता है तो कंबाइन प्रोसीजर ऑफ लिसनिंग, मेडिटेशन एंड डायरेक्ट परसेप्शन इज कॉल्ड अध्ययन। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसा होगा, मनन का मतलब मेडिटेशन। मैं लॉगिन भी किया हूँ और साथ में क्लास भी चल रहा है। वो 5G मैं समझ गया, दोनों एक ही स्पीड आपका। ये 2.5 गीगाहर्ट्ज का राउटर है, उसमें 5G सपोर्टेड राउटर होगा, बट वो तब काम करता है जब बीच में वो इसके लाइव, इसको बंद कर सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए कि वहीं भागे अपन? ये लाइव हो रहा है, हैं? नहीं चलो ऐसे ही रहे तो कोई देखता नहीं है। पुणे टू बेंगलोर कल के लिए, हाँ नहीं ठीक है, जब तक आपका कोई हैवी ट्रैफिक नहीं हो रहा फाइन। एंड अभी है 8 मिनट है, हो जाएगा, 42 सीट दे के रखे हैं उन्होंने तत्काल में, ठीक है। इसकी कंबाइंड प्रोसीजर इक्वल टू अध्ययन। फिर हमको क्या निकलेगा? ये यदि बुद्धि में स्वीकारने की विधि यदि अध्ययन है, तो अध्ययन के लिए अभ्यास क्या बनेगा?
ये दोनों जो चीजें हैं क्रिया और प्रक्रिया, दिस इज इक्वल टू अध्ययन के लिए अभ्यास। इसीलिए अध्ययन भी है और अभ्यास भी है। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, समथिंग यू रिपीट, दोहराना इज इक्वल टू अभ्यास। क्या इसीलिए शास्त्र अभ्यास, ओके, व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, यू विल कीप रिपीटिंग टिल यू गेट इट। बार 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 न्याय धर्म सत्य समझ में नहीं आया, सत्य इधर चले गया, गुण वहाँ चले गया, वंशानुषंगिकता और इसमें अंतर क्या है, अंतर संबंध क्या है, भीगे रहने का मतलब क्या है, व्यवहार में उस आदमी के साथ मेरी पट क्यों नहीं रही है, उस आदमी में प्रॉब्लम क्यों है, मेरे में प्रॉब्लम क्यों है, दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है, ये छन करके अलग 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 छन्नी जैसा छनता है, ओके, छन करके अलग 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 अलग। एक होता है सॉर्टेक्स राइस, जापानीज टेक्नोलॉजी, आजकल भारत में जितना सॉर्टेक्स मशीन बनाया, वो क्या करता है, लेज़र से चावल के साइज़ को पकड़ता है, जो ख़राब चावल उसको एक तरफ, एक साइज़ का चावल एक तरफ, इसीलिए चावल का नाम सॉर्टेक्स राइस है। ये सॉर्टिंग का प्रोसीजर है। तो जो जो स्थूल वस्तु हैं एक तरफ, जो कचड़ा है एक तरफ, है ना, जो उसका भूसी एक तरफ, जो टूटा हुआ चावल एक तरफ, आधा अधूरा चावल एक तरफ, एक साइज़ का चावल एक तरफ, ऐसा पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा श्रवण से लेकर मनन में प्रवेश करते समय। तो फिर शास्त्र अध्ययन से जो श्रवण करना है हमको, या शास्त्र अभ्यास से जो करना है, उसके बारे में मैंने वो बताया। डबल मैंने आपको मैसेज किया, 11301 है ना, बस 2A तत्काल कोटा गौरी, और पेमेंट पेज के मैंने IRCTC वॉलेट में कल पैसा लोड कर दिया, तो वह झट से OTP आ जाता है। हाँ, उद्यान एक्सप्रेस, गौरी फीमेल 44, देविका फीमेल 7, लोअर बर्थ, लोअर बर्थ। वो इसीलिए क्योंकि एक को वो करता है ना, वो मैंने जैम हो जाता है उसका पेमेंट। और कल मैंने थोड़ा सा नेट पे पढ़ा तो बता रहे थे कि मोबाइल ऐप इज़ बेटर देन ये डेस्कटॉप, 46x2A अवेलेबल, 46 राइट, ठीक है, हर दो मिनट पे उस पर क्लिक करते रहेंगे, ओके। तो ये हमारा अभ्यास है। तो ये क्या हो गया, ये मनुष्य के करने लायक कार्यक्रम इतना है। यदि जीवन है इसको स्वीकारता है, जीवन जागृत होना ये स्वीकारता है, या अस्तित्व के प्रति जागृत होना मुझे स्वीकारता है, या जागृति यदि बहुत बड़ा लगता है तो मैं सुलझना चाहता हूँ, है ना, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, मेरे को क्लैरिटी चाहिए, पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए जो माध्यम है वो दर्शन है, कोई दर्शन होगा, बौद्ध होगा, मध्यस्थ दर्शन होगा, विज्ञान होगा, आइंस्टाइन होगा, कोई तो होगा। फिर ये एक बार हमारी मान्यता में आ गया, फिर वो क्या बोल रहा है उसकी जिज्ञासा बन जाएगी, उसके मूल में वस्तु क्या है इसकी जिज्ञासा बन जाएगी, ठीक है। ये फिर पैरेलल में बाकी सारा चीज़ें चलते रहेगा, सांस लेते रहेंगे, दिल धड़कता रहेगा, भूख लगेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, एक आदमी हमारा बात सुनेगा, तीन लोग बात नहीं सुनेंगे, दुनिया में कुछ होगा, इसके द्वारा फिर हम उसको सॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये अध्ययन की जो परिभाषा है वो ये ऐसी बनी है, दो परिभाषाओं में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो ऐसा बना, ठीक। तो हमने दो परिभाषाएं देखी थी प्रथम दिन, फिर इसी को बोलते हैं तदाकार होना, दिस इज ये इक्वल टू तदाकार। सच्चाई के स्वरूप में तदाकार, तद का मतलब सच्चाई, सत्य के स्वरूप में, के आकृति में, या के अर्थ में, है ना, के अर्थ में कल्पनाशीलता का हो जाना, यही अध्ययन है, यही मध्यस्थ दर्शन का अनुसंधान है, मेन अध्ययन विधि का अनुसंधान ये है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि नागराज जी ने पढ़ा और फिर लिख दिया और सोचा कि ठीक है लोग पढ़ के कुछ हो जाएंगे। उनके जीवन में जो बोध हुआ उससे जो कल्पनाशीलता में जो बना उसको उन्होंने शब्द, मतलब उस अर्थ को शब्द रूप दे के उसकी एक रचना बनी है उनके जीवन में। और ये जो बनी ये सोच के नहीं बना, ये ऑटोमेटिक बना उनके अंदर, लेकिन AI सिस्टम वो अपने आप बना।
इसीलिए इसमें छेड़खानी करने से कुछ बनता नहीं, बनेगा इसमें हमने कुछ ट्यूनिंग कर दिया अपना, नमस्ते, कहीं कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ठीक, तो जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला है या पानी का फॉर्मूला है, वैसे ही ये जीवन का फॉर्मूला है दर्शन। तो कोई भी लिखेगा, भाषा अलग होगी, थोड़ी हो सकता है कनेक्शंस अलग होंगी, बट वही रहेगा। ठीक है ना। तो जीवन विद्या शिविर का उद्देश्य क्या है, यदि देखेंगे अभी क्रम से। अब जीवन विद्या शिविर का मुख्य उद्देश्य है, जीवन है ना, भ्रमित है, जागृत होना है, और जागृति के लिए अध्ययन है, ये कम्युनिकेट करना। ये एक लाइन यदि हो गया, यदि 5 मिनट में कोई मान लिया तो 7 दिन बच सकते हैं सबका। पहले दिन बोल दिया, जी हमको भी ऐसे ही लगता है, धन्यवाद, चलो हो गया। वो नहीं होता है, इसीलिए 7 दिन तक डपला बजाना पड़ता है, गाना सुनाना पड़ता है, एग्जाम्पल लेना पड़ता है, कविता सुनानी पड़ती है ना, चुटकुला सुनाना पड़ता है, पनीर खिलाना पड़ता है, सब होता है, मतलब खाना खिलाना ये सब। और वो स्वाभाविक ऐसा होगा क्योंकि प्रत्येक मानव के कल्पनाशीलता में पहले से कुछ भरा है, कई बार ध्यान ही नहीं गया रहता है। ओके, दूसरा क्या होगा इसमें, इनका कर लेते हैं पहले, एक्चुअली स्किप भी कर सकते थे। हेलो, ठीक, थैंक यू तुषार, यहाँ के वो हो गए हैं। क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन, मैं पुणे में ऑफिस बॉय बन के रहा हूँ। मैं जब जॉब छोड़ा था 13 साल, मेरी 31 की एज थी, 32 में, तब मैं जनरल मैनेजर था, अब ऑफिस बॉय बन गया। बहुत डिमोशन हो गया, हींग खत्म हो गया ना, सिलेंडर खत्म हो गई, इसका हवा भरना है, ये बैंक में पासबुक जमा करना, यही सब मेरा काम रहता है, साइकिल लेके सवेरे। तो जीवन विद्या शिविर का प्रथम उद्देश्य क्या है, इसीलिए इसका नाम है जीवन विद्या। चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई भ्रमित है, उसको जागृत होना है। अभी मानव में जो भी कहानी है, ये भ्रमित मन का ही प्रदर्शन है, जागृति का कोई स्वरूप है। यहाँ से यहाँ जाने की इच्छा मनुष्य में यदि जागृत जग जाती है, ठीक, तो उसके लिए अध्ययन प्रस्तावित है ये जीवन विद्या शिविर। अब या तो हम अध्ययन बिंदु से इसको एस्टैब्लिश करें, बट वो भारी पड़ता है, तो सभी लोगों ने अपना अपना एक छोटा अध्ययन बिंदु बना लिया है ना, किसी का ऐसा वैसा, ये इसमें क्रिएटिविटी रहेगी, वो ऑडियंस के अनुसार होगा, है ना। तो जो लोग इसके लिए मैंने तैयार हैं, सीधे इस पर बात हो सकती है, दो हॉप में हो जाएगा ना, यू जस्ट नीड टू हॉप्स। अस्तित्व है, अस्तित्व में जीवन है, जीवन अस्तित्व को नहीं समझता, अपने आप को नहीं समझता, ये भ्रम है। जीवन अपने आप को समझता, अस्तित्व को समझता, आचरण को समझता, ये जागृति है। अभी तुम भ्रमित हो, तुमको जागृत होना है, यस यस, अध्ययन खत्म। अध्ययन में आएंगे तो फिर अध्ययन के बिंदुओं से अवगत होना इज इक्वल टू अध्ययन बिंदु शिविर। देन यू हैव द बुक्स, तो बुक से एक पूरा एक रेंज मिलता है, बुक्स, ऑडियो, वीडियो, जो भी। फिर अध्ययन प्रक्रिया शिविर से बुक्स को लेके क्या करना है, है ना, हम आचार बनाएंगे, शिविर लेंगे, दुनिया को बचाएंगे, स्कूल चलाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें अपन स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। ये अभी तक का क्रम, एक ओवरव्यू। जीवन विद्या शिविर का दूसरा एक है कि क्योंकि जागृति की ही बात हो रही है, और यदि किसी को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें काफ़ी राहत मिलता है, इससे भी दुनिया में काफ़ी जो है सुधार होती है। मेरे सामने हुआ है, एक गुंडा टाइप के व्यक्ति थे, शिविर किए, जाके खेती शुरू कर दिए। एक दूसरा आदमी था, वो बियर बार चलाता था, सारे बार बेच दिया, जाके खेती शुरू कर दिया। एक आदमी थे, वो अहमदाबाद के थे, उनको रोड रेज होता था, रोड रेज, रोड में पागल होता था, उसका रोड रेज खत्म हो गया।
एक मियाँ बीवी थे, डाइवोर्स हो गए थे, शिविर करने के बाद दोनों शादी कर लिए हैं। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, मैंने राहत कार्यक्रम तुरंत कुछ मिलता है, कुछ दिशा मिलती है, लगता है अरे यार कहाँ अपन पैसे के पीछे पड़े हैं, दारू के पीछे पड़े हैं, इससे निकलो। पर इसको ये बौद्धिक विधि से स्थापित करता है, इसलिए जीवन विद्या शिविर में कोई मैंने आंखें मूंद कर करने का अभ्यास वो सारी चीज़ें नहीं है। सीधा जीवन को जो आवश्यकता है वो जीवन ही को दिया जा रहा है, शरीर से उसको एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। जो अभी अपने देश में और प्रचलित जो भी विधियाँ हैं वो क्या है, शरीर को बिठाओ, सांस देखो, है ना, नाक देखो, नाक के अंदर बाल है देखो, तुम अलग हो, नाक अलग हो, इसको देखो। ये क्या है, शरीर को फोकस करके हम किसी वस्तु को इंगित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें कठिनाई क्या है कि ये जो एंटिटी, जो वस्तु उसको देख रहा है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। भाषा के रूप में चित्तवृत्ति बोलेंगे, एक समय के बाद उसको ब्रेन बोल देगा, फिर हमको समझ ही नहीं आता है कि देख कौन रहा है उसको। आत्मा देख रहा है, मैं आत्मा को देख रहा हूँ, आत्मा ब्रेन को देख रहा है, ब्रेन नाक को देख रहा है, ये क्लियर नहीं होता है। इतना सिंपल शिफ्ट होने से इतनी बड़ी चीज सॉल्व हो जाती है उससे। ओके, तो ये जीवन विद्या शिविर। अब इसके लॉ कॉपीकरण प्रोग्राम को सोचेंगे तो फिर इसमें तो बहुत सारा है वैरायटी। हम छोटा वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, पैम्फलेट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बहुत सारा है इसमें। यदि हम देखेंगे स्मॉल बेनिफिट्स, है ना, छोटे बेनिफिट अधिक लोगों के लिए स्प्रेड, बट ये जो स्प्रेड है ये सस्टेन कब होगा, जब पर्याप्त व्यक्ति इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। ठीक, तो अभी जो कुछ हम लोगों का फोकस है, या कम से कम यदि मैं अपना सोचूं मेरा फोकस है, वो ये है कि यहाँ से तो आदमी जो आता है वो इधर से इधर हो कि इसकी क्लैरिटी हो के ये वाला सेक्शन क्लियर हो, ये बेस। भले ही इसमें एक आदमी रहे पर्याप्त, इसमें संख्या से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको जीवित रखना है ना। ये यदि गया तो केवल वीडियो और वेबसाइट बचेगा, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, नहीं समाप्त हो जाएगा, फिर लोग अपना अपना बना लेंगे। आपको लगेगा विश्वास को थोड़ा ऐसा बोलने से ज़्यादा अच्छे से जाता, विश्वास बदल जाएगा, फिर सम्मान बदल जाएगा। 18 मूल्य ना कम पड़ रहा है, दो एक अपन डाल देते, उसमें दो डाल देंगे, तीन हटा देंगे, है ना। ये सब होगा कि नहीं, आदमी के पास कल्पना तो है ही। ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा गुरु ग्रंथ साहिब से ले लूँगा, ये वाली चीज़ मैं कौन से दर्शन से ले लूँगा, मिक्सिंग एंड मैचिंग होगा, वो सब ऊपर ही ख़त्म हो गया, निपट गया ये। तो ये एक बात। ओके, पुनः इसमें यदि देखेंगे तो अध्ययन की तीन परिभाषा हमने देखी, अधिष्ठान की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक क्रिया गया, क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास। अधिष्ठान का मतलब जो अध्येता है उसका स्वयं का आत्मा की साक्षी। क्या साक्षी? आत्मा बुद्धि का दृष्टा बना रहता है भ्रमित स्थिति में भी, और बुद्धि चित्त का दृष्टा बना रहता है भ्रमित स्थिति में भी, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा छोर, अनुभव की रोशनी, तो जागृत मानव के जीवन, उनका बोध, उनका बुद्धि, उनका चित्त, उसके प्रभाव में। स्मरण पूर्वक, स्मरण कहाँ रहेगा? चित्त के चित्रण क्षेत्र में। किया गया क्रिया, तो चित्त के चित्रण में स्मरण जब कॉन्सेंट्रेट होता है वो साक्षात्कार फायर होता है। साक्षात्कार जैसे ही फायर होता है, फायर होता है का मतलब क्या, उसको दिखता है। साक्षात्कार का मतलब दिखना, ठीक, जैसे आप हैं, है ना बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, भूल ही गया, अखिल। तो अखिल का मैं पहले कहानी बताता हूँ, ये श्रवण हो गया, फिर अखिल का मैं चित्र बताता हूँ, ये मनन हो गया, वो चित्र को देखते देखते सामने अखिल ही प्रकट हो गया, ये साक्षात्कार। तो जिन वस्तुओं को हम साक्षात्कार करना चाहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है हमको, ये स्मरण में आता है ना। फिर वो वस्तु स्वयं दिख जाना, ये साक्षात्कार। जैसे ही साक्षात्कार होता है तक्षण वो बुद्धि में स्वीकार हो जाता है, इसका नाम है अध्ययन, अध्ययन बोध। इसीलिए अधिष्ठान के साक्षी में ये बुद्धि में स्वीकार होने की विधि को अध्ययन का है, दिस इज अध्ययन, राइट। अब पीछे यदि
यू वर्क बैकवर्ड्स, है ना, पीछे यदि आएंगे तो चित्त में यदि साक्षात्कार होना है तो चित्रण में क्या होना पड़ेगा, तो उसमें कचरा नहीं होना पड़ेगा, मान्यता नहीं हो सकती, कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, बदमाशी नहीं हो सकता है, चोरी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक भी सच्चाई नहीं है। तो चित्त की उस स्टेटस को पूर्णाभास कराना जो है, इक्वल टू मनन की जो पूर्णता है वस्तु में, उस प्रक्रिया का नाम है मनन। हेंस अधिष्ठान की साक्षी में अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, क्रिया के पहले प्रक्रिया। मनन किस वस्तु पे करोगे, वो मैटर चाहिए, मैटर ही नहीं है तो क्या मनन करेंगे, हमारा कालिदास हो जाएगा वो, एक दूसरे किसी का कालिदास होगा। उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस का नाम है श्रवण, लोडिंग, लोड करके प्रोसेस, प्रोसेस करके स्टेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, है कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ जीना रहेगा, ऐसे नहीं कि कमरे में घुस गए और 12 साल श्रवण मनन के और बाहर निकले, इस अध्ययन विधि में, इस दर्शन में ये प्रस्तावित नहीं है। इसीलिए हर आदमी को अपील करता है, क्योंकि ये शटडाउन नहीं करना है ना। यदि हम बोले ज्ञान होना है पहले तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली करो उसके बाद श्रवण करो, बोलेगा यार मैं फिर मेरा बच्चा क्या करेगा, मैं कैसा जीऊँगा, ये प्रॉब्लम है। तो छीनने वाली कोई काम नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं इस बड़े में समाती हैं, एडजस्ट होती हैं, रीएडजस्ट होती हैं। इसलिए नागराज जी ने इसको नाम एक ये भी दिया, डांबर रास्ता, डांबर रोड बोलते ना इसको, बोले पहले कच्चा रोड था, अंधेरा था, ये डांबर रास्ता है, उसमें हर जगह फ्लडलाइट लगाया, पूरा दिखता है फिर रास्ता, मतलब उनकी ओर से दिखता है वो रास्ता, अभी बाकी लोग डिस्कवर कर रहे हैं एक करके, उसी का एक नमूना है आपके सामने ना, स्पेसिमेन। तो ये प्रयास, प्रक्रिया एवं स्मरण, तो ये दो परिभाषा हो गया। शब्द के अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु का ज्ञान होना बराबर साक्षात्कार। शब्द भाषा, भाषा के अर्थ रूप में, कौन सा भाषा, जो साक्षात्कार की जो वस्तु है उसकी भाषा। ये चेयर साक्षात्कार नहीं होना है, है न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के प्रोसेस को समझना साक्षात्कार की वस्तु नहीं है। जो भी फिशन और फ्यूजन सोचा उसको भले ही कोई साक्षात्कार हुआ हो, बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा है। ओके, गाय का गायत्व साक्षात्कार की वस्तु नहीं है। तो ये सब हम मनन में वर्कआउट करते हैं, साक्षात्कार का वस्तु क्या है, बोध का वस्तु क्या है, चित्रण का वस्तु क्या है, विश्लेषण का वस्तु क्या है, विज्ञान का वस्तु क्या है, व्यवहार का वस्तु क्या है, उसमें कौन सी भाग रूपात्मक है, कौन सी भाग अरूपात्मक है। ठीक, तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन में चैतन्य पक्ष का जो स्कोप है वो एक्सपैंड होता है। पहले संकीर्ण था, पहले गधा घोड़ा से हम संतुष्ट हो रहे थे, घोड़ा मतलब गाड़ी है ना, पत्थर अभी पूरा लोहे से ही संतुष्ट हो जा रहे हैं ना, लोहे का अध्ययन, लोहे का संग्रह और उसी को भोगना, इतने में समेट जा रहा है, तो वो एक्सपैंड होता है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस कैसे होती है, पहले ये जो मैं कहा मटेरियल मतलब भौतिक चीज़ों से शिफ्ट होके व्यवहार, व्यवहार से शिफ्ट होके बौद्धिक, बौद्धिक से शिफ्ट होके आध्यात्मिक, ये कटता नहीं है, ये आध्यात्मिक पूरक बौद्धिक, बौद्धिक पूरक, तो कुछ भी शिफ्ट हुआ बुद्धि में ही शिफ्ट होगा, मतलब बौद्धिक पक्ष में, जीवन में। तो ये जो मान्यता है यहाँ चेंज हुई, हमने यहाँ एक इंसेप्शन किया, चेंज किया, वो यहाँ फोकस करता है, न्यू फोकस करता है, अपने आप पर भी फोकस करता है, इतना ही है, सिंपल। बहुत वो जो 3,500 पेज और 15,000 पेज अप्रकाशित है उसको एकदम ही समेटेंगे तो इतने में समेट जाता, बाकी उसकी एक 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 डिटेलिंग, साक्षात्कार की वस्तु क्या है, नियम न्याय धर्म सत्य, उसका तात्पर्य क्या है, उसको सोचेंगे, अध्ययन विधि को सोचेंगे, ये सब। तो शब्द के अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु का ज्ञान होना अथवा तदाकार होना, कल्पनाशीलता के माध्यम से या कल्पनाशीलता का तदाकार होना बराबर अध्ययन। ठीक, इसमें अच्छी बात क्या है कि यदि इच्छा हो तो हम करेंगे, नहीं इच्छा हो तो जितना मिला उतना फल है, गलत तो कुछ आ नहीं रहा है ना
मान लो कोई 10% श्रवण में रुक गया, उतना ही भला। इतना समरी है जो हम बात करना चाह रहे थे, फिर आगे सबकी डिटेलिंग है। तो इस प्रक्रिया में से हमने श्रवण वाले पार्ट को थोड़ा सा खोला, बहुत मैंने उसमें भी बहुत वो नहीं किए, पर ठीक है। मनन को हमने अभी तक खोला नहीं है कि मनन में क्या होता है। आप लोगों का जिज्ञासा है तो कर सकते हैं, इन्हीं नोट्स में है। उसके बाद जिज्ञासा है तो साक्षात्कार की वस्तु क्या उसको कर सकते हैं, बोध की वस्तु क्या उसको कर सकते हैं, अनुभव की वस्तु क्या उसको कर सकते हैं। उसके बाद जिज्ञासा बनेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, बट अभी तक आप शुरू ही नहीं किए हैं तो जिज्ञासा बनना संभव नहीं है, बट यदि बनता है ठीक, तो उसमें बाधाओं पर बात कर सकते हैं, डिफिकल्टीज़ क्या है रास्ते में, या ऑब्स्टिकल्स, स्पीड ब्रेकर, और कहाँ पर कैसे हैं, क्या है, उसके लक्षण क्या होंगे, वो उसको कैसे देखें ना, हाउ डू यू नो कि श्रवण हुआ नहीं हुआ, मनन हुआ, व्यवहार के नियम, ये सब, ये अंतिम तो इस इन नोट्स में ये है। ये सब करके यदि बोध हो गया तो बोध अनुभव में कैसे परिवर्तित होता है उसका कुछ है वो लास्ट। ये नोट्स का आउटकम मतलब आउटलाइन इतना है। अभी हमने पहले दो पार्ट किए हैं इसके, विच इज जनरल ओवरव्यू और शास्त्र अध्ययन में क्या क्या हमको करना है, ठीक है। तो मेरी ओर से तो ये विराम, मुझे जो एस्टिमेशन, अभी आप लोग बताइए। हमारे पास तीन दिन है इंक्लूडिंग टुडे, आज 19 है ना, 19, 20, 21 जी। एंड नेक्स्ट सत्र कब प्रारंभ हो रहा है, नेक्स्ट क्या है, संविधान क्या है, संविधान ठीक है या? कौन लेगा संविधान, कौन पढ़ाएंगे? ओ बट उनका तो सर्जरी हो गया, ठीक है यहीं से कोई कर लेगा। मानवीय संविधान 2007 में छपी, एक होता है मिसाइल, उसके बाद होता है सोनिक जो स्पीड ऑफ साउंड में होता है, फिर सुपरसोनिक, अब रशिया ने एक बनाया हाइपरसोनिक, तो नागराज जी का संविधान हाइपरसोनिक है। अभी के जो संविधान है वो सबसोनिक भी नहीं है, वो दिखता है, जो दिखता है फिर स्पीड ऑफ साउंड नहीं है ना, स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी दिखेगा, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ लेना चाहिए। हाँ जी बताइए। तो कल जो पढ़े उस पर यदि कोई क्वेरीज हैं तो पहले उसको ले लेते हैं, एंड उसके बाद हम इच्छा हो तो आगे जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये सब बहुत फास्ट हो गया है, कम से कम ये समरी मिलना, ये सब 6-8 वर्ष लगे, मतलब अकेले नहीं, बहुत सारे लोग इसमें लगे ही हैं। मैंने केवल उसको फुर्सत में बैठ के लिखा एक जगह, ये मेरे हॉबीज हैं, ऐसे लोग स्वेटर बुनते हैं ना, तो ऐसा वो बनाना मेरे लिए, कुछ होगा हमारा भी प्रारब्ध लिखने का। ओके, तो शास्त्र अध्ययन का आउटकम क्या है, तो वो 98 वाले डॉक्यूमेंट में लिखा है। ओके, सो कोई क्वेरी है जो तदाकार जी, तदाकार मतलब तद मतलब सच्चाई के आकार में आ जाना, हाँ तो सच्चाई मतलब क्या, शरीर भी सच्चाई है सब, शरीर का होना सच्चाई है, शरीर का मरना भी सच्चाई है, तो शरीर क्या ठीक है, वैसे तदाकार होंगे तो अस्तित्व के सभी पक्षों में हो सकते हैं, रूप पे भी तदाकार होता है, गुणों पे भी होते हैं, जैसे एक आदमी अमिताभ बच्चन पर तदाकार होता है, उसे वैसे एक्टिंग करता है, एक आदमी क्या नाम है उनका, फर्स्ट नेम पता नहीं, अंबानी अडानी पर तदाकार हो जाता है, फिर वो भी बिजनेस में चले जाता है।
एक आदमी या पुरुष जाते हैं, किसी को देख लेते हैं, उस व्यक्ति पे तदाकार हो जाते हैं, फिर बोलते हैं इसी से शादी करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, नहीं होने से मर भी जाता है, मरते हैं ना, पर आई थिंक मंथली 10-5 से मरते होंगे। एक आदमी सक्सेस पर तदाकार हो जाता है तो अस्तित्व में जितनी वस्तुएं हैं उनके किसी भाग पर या तो रूप या गुण या स्वभाव या धर्म पर कल्पनाशीलता, उस आकृति में हो जाना, टिक जाना, बराबर तदाकार होना। किसी के व्यवहार पे तदाकार हो जाते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरी कुछ वाक्य कुछ शैली बाबा जी वाली बन गई है। मैं साथ में रहा तो जो भी 4-3 वर्ष जानबूझकर तो नहीं किया कि मुझे इनका ऐसा कॉपी करना है, बट बोलते समय मुझे पता चलता है कि वो उनका, उसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरी जो अधिकांश हिंदी है इस दर्शन में आने से ही बनी है। जैसे हम लोग तेरे को मेरे को तुझको ऐसा बात करते हैं वहाँ पुणे में, बीच में 2-3 गालियाँ भी रहती हैं तो छूट गया। जैसे शरीर से जब तदाकार होता है तब वो, मतलब जब जन्म होता है तब वो जीवन शरीर से तदाकार होता है, और एक जगह कहीं आया था मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में कि जब इंद्रिय सन्निकर्ष के समय जीवन शरीर से इंद्रियों में इंद्रियों में ऐसा स्वीकार लेता है तभी वो काम करता है इंद्रिय सन्निकर्ष वाला, तो उस समय वो शरीर इंद्रिय से मतलब इंद्रियों से तदाकार हो जाता है, मतलब जीवन लगातार तदाकार हो ही रहा है किसी न किसी चीज़ से। हाँ, ये शरीर से तो तदाकार है ही, वही मतलब संवेदनशीलता से भी तदाकार है, उसको संज्ञानशीलता वाली जो चीज़ है उससे तदाकार करनी है। और क्या, अभी एक आदमी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है वो तदाकार होना पड़ता है तभी तो मन लगता है, तो जो जिस लक्ष्य को श्रेष्ठ मानता है उसमें तदाकार होता है। तदाकार होने की क्षमता लोगों में अलग अलग होती है, वो हमने कल परसों देखा था। एक लक्ष्य की एक श्रेणी है ना, दूसरा जीवन का एक ताकत है जो उसके जागृति क्रम पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में जो मन क्षुब्ध मानव है वो शरीर और विषयों पर ही तदाकार रहता है, तो हार निद्रा भय मैथुन, तो इसीलिए फिर जो लोग नशा में चले जाते हैं उस टाइप की नशा जो नींद देती है वो उनको वही चाहिए बार बार, वो ब्रेन और जीवन का पूरा ट्यूनिंग हो जाता है उसमें, तो वो कोकेन लेके टुंग पड़ा रहेगा। जबकि हो सकता है वो पड़ा है कोई बढ़िया हार्वर्ड से MIT से, बट वो जीवन इधर चले जाता है, ये मन शुद्धता। फिर वृत्ति शुद्ध मानव है ना, अपने कार्य व्यवहार, तो अपने व्यवहार कार्य से वो तदाकार रहता है, कुछ भी हम कैसे बोलते हैं कैसे काम करते हैं इससे तदाकार रहेगा। ठीक, चित्त शुद्ध मानव अपनी वृत्ति से तदाकार रहता है, अपने विचार को श्रेष्ठ मानेगा, अपने तर्कों को, बुद्धि शुद्ध मानव चित्रित कर सकता है। तो ये कौन से वस्तुओं पर हम कितना तदाकार या कैसे होते हैं ये इस पर भी निर्भर करता है। दूसरा, तीसरा उसका जो विषय मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है या स्वभाव है उस पर भी निर्भर करता है, बट तदाकार होने वाली प्रवृत्ति जीवन में स्वाभाविक है तभी वो अलग अलग साइज के शरीर को चलाता है। जैसे अभी 5 फुट के शरीर के आदमी को जीवन चलाता है, वही जीवन एक 4 टन के हाथी के भी शरीर को चलाता है। भैया जो वो सारभूत भाग में चित्त वृत्ति को केंद्रित करना, उसमें मतलब कि जैसे श्रवण हो गया तो विश्वास पर मनन कर रहे, तो विश्वास पर केंद्र में रख के जितना भी जुड़ रहा है तर्क है उसको जोड़ना फिर उसको। हाँ, पर ये वाली भाग लगभग श्रवण के अंत में आएगी। आप जो बोल रहे हैं तर्क को जोड़ना, ये श्रवण का भाग है। मनन करने का मतलब वो तर्क वगैरह स्थिर हो गए और उसका भावार्थ जो है उस पर मनन कर रहे हैं। तर्क बनेंगे, भाषा है, शब्द है, शब्द का अर्थ है, कई अर्थों को जोड़ना तर्क का काम है।
जैसे भी वैज्ञानिक पद्धति से भी जो डिस्कवरी होती है मेथड यही है, वहाँ वो डिस्क्राइब नहीं है क्योंकि वो ब्रेन को ही मानते हैं, इसलिए ब्रेन के आधार पर वैज्ञानिक परिभाषित नहीं हो पाता है। आइंस्टाइन के खोपड़ी को उन्होंने सेव करके रखा था, निकला कुछ नहीं, सड़ा हो फिर फेंक दिया या रखा है कहीं, तो रखा है फॉर्मेलिटीहाइड में रखा है आइंस्टाइन के खोपड़ी को, पर नहीं समझ में आया। अच्छा, खोपड़ी में कुछ मिलता नहीं, केवल फैट है, तो समझ ही नहीं आता है कि ये फैट जो है ये ऐसा कैसा ऑपरेट कर रहा है, वो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो तर्क को जोड़ना लॉजिकल प्रोसेस है, तर्क का मतलब लॉजिक, वो एनालिसिस के लिए ठीक है स्टूडेंट, पर जो फंडामेंटल डिस्कवरी है वो लॉजिकल प्रोसेस से नहीं होती है, वो कॉन्सेंट्रेट होकर उसको दिख जाता है। आइंस्टाइन को बोलते हैं कि उनका डेस्क था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, ऐसा पर डेढ़ घंटे से ऐसा खोपड़ी ऊपर लिखना शुरू को, वो बेहोश, मतलब शरीर से बेहोश हो गया, जीवन और कहीं चले गया, उसको जो दिखता है आके लिखता है। फिर पीरियोडिक टेबल भी ऐसी ही बनी, मेंडेलीव को सपने में आया पहला पीरियोडिक टेबल, अरेंजमेंट ही नहीं थी एलिमेंट्स की, उसका फोटो भी है कहीं नेट पे, आप ढूंढेंगे ना मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, वो जो फर्स्ट लिखा था हाथ से अलग अलग कलरफुल इंक से कोई भेजा था, वो दिखता है, मिलता है भी ठीक। तो हायर ट्रूथ्स मतलब जो अस्तित्व के जो सूक्ष्म भाग हैं या वास्तविकता के जो सूक्ष्म आयाम हैं, ये मेरे को चश्मे से तो प्रॉब्लम ही होने लग गया, इधर वो होता है स्ट्रेन, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं बीच में कब कुछ कर रहा था, किसी ने कुछ पूछा तो मैंने ऐसा किया, तो उनको लगा मैं परेशान हो रहा हूँ, बोला नहीं ना भैया छोड़ दो छोड़ दो। मैं बोला क्या हो गया, बोले नहीं मुझे लगा कि आप बहुत, मैं बोला परेशान नहीं है, ये हैवी हो रहा है। कोई कुछ पूछता और आप ऐसा करते हो, बोलता क्या आप पूछ रहा है ये, तो उसको ऐसा लग गया, ये दूर और पास का जो बैलेंस है ना वो हो गया है, तो मुझे वो प्रोग्रेसिव लेंस ऐसा कुछ उपयोग करना, इसको देखने के लिए हटाना पड़ता है, ऐसा पहनने से स्ट्रेन आता है, तो पूरे दिन हेडेक हो गया ये। देखते हैं कोई लेंस वेंस होगा तो करना पड़ेगा ठीक। तो तदाकार होने वाली प्रवृत्ति जीवन में रखी है, हम तदाकार रहते हैं, अपने शरीर से तदाकार रहते हैं, अपने घर से तदाकार रहते हैं, लोग अपने कार से तदाकार रहते हैं, उसको देख देख के खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं कार बन गया। फिर जब कोई कल कोई कार का तारीफ करता है, वेरी गुड कार, वो थैंक यू बोलता है, जैसे कि उसने बनाई, पैसा दिया रहता है, बनाया और किसी ने, उसमें चोट लगने से परेशान हो जाता है, खरोच आ गई कार को, पागल हो जाता है आदमी। पति पत्नी तदाकार रहते हैं, मैं देखा हूँ कई हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे लोग विवाह के थोड़े दिन के बाद दोनों का चेहरा एक जैसा होने लगता है। पहले मेरे को लगा मैं कल्पना कर रहा हूँ, फिर सच में मैंने एक बार वो करके देखा कि बराबर नाक का एंगल सब मैच कर रहा है। सोचा यार शादी के पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा एकदम इतना क्लोज मैच, उस शरीर की आकृति भी ऐसा कभी कभी लगता है कि मैच होता है। ये सब तदाकार, हम अपने कार्य से तदाकार हुए बिना मन नहीं लगता है। खाना बनाने में तदाकार रहना पड़ता है तभी अच्छा खाना बनता है। अब खाना बनाने में भोजन बनाते समय मन यदि बिगड़ गया तो उसमें नमक कुछ न कुछ ऊपर नीचे आता है। तो जो लोग खाना बनाते किन्हीं के घर में, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उसका मन खराब है, वो खाने का टेस्ट खेके कि चार पाँच दिन से रोज नमक ज़्यादा डालता है, बोला यार उसका खोपड़ी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसको रोज नमक डाल दे रही है अधिक ऐसा। तो ये सारी चीज़ें तदाकार विधि से होती हैं। ये तदाकार धीरे धीरे सूक्ष्म चीज़ों में बढ़ते जाते क्या, इसका भी क्रम रहता है, जैसे स्थूल चीज़ों में तदाकार होंगे, फिर धीरे धीरे और उससे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्म, फिर ऐसे तदाकार होने का भी क्रम रहता है। हाँ, अध्ययन के क्रम में जैसे रूप क्या है समझ में आया, गुण क्या है समझ में आया, समझ में आया मतलब उसको शोध किए, पहले रूप गुण स्वभाव धर्म को इतना ही है तदाकार होना, रूप या गुण या स्वभाव या धर्म या सत्य, इससे अधिक कुछ नहीं है अस्तित्व। भैया एक और चित्रण में, जैसे चित्रण में ही श्रवण होता है, चित्रण में ही मनन होता है,
चित्रण वाले भाग में, और मनन करते करते जो और कंप्रेस हो जाता है बोले, या चित्रण में नहीं समाता तो वो मनन करते करते साक्षात्कार में चले जाता है, उसमें वृत्ति भी लगेगा। हाँ, केवल चित्रण नहीं, वृत्ति चित्त और वृत्ति दोनों, मतलब चित्त तो मनन है, चित्त वृत्ति और केंद्रीभूत, और केंद्रीभूत होता है तो वो मतलब चित्रण में नहीं समाता, वो उसमें चले जाता चिंतन वाले भाग में, ऐसे ही मनन मतलब मनन करते करते होता है, ऐसे ही होता है। वो जो पढ़े हैं उसको बोल रहे हैं, वो कहीं मतलब देखा है लाइन करते जाते हैं ना, तो वो जो नहीं समाता है लाइन, वो बाबा जी का बोला हुआ है। हाँ, बाबा जी वो समाध में है, उनके सामने वो पुस्तक है, उससे बोल रहे हैं जी। ऐसे ही है ना। हाँ, पढ़े हुए को बता रहे हैं। पानी किसी नहीं, नहीं नहीं आप उठो मत, ये बोतल दे दो, झूठा तो नहीं है ना। हाँ दे दो। इंडिया में थोड़ा सेफ्टी, आदमी झूठा नहीं करता, अंग्रेज मुंह डाल देता है फिर नहीं पी सकते, बट एक दूसरे से पीते हैं अंग्रेज झूठा करने के बाद। आप देखें अंग्रेज को, अपना पर्सनल बोतल रहता है उसमें मुंह डालते रहता है वो, नहीं समाने का मतलब क्या है। एक तो श्रवण की प्रक्रिया में मन भी कार्य रहते, वृत्ति भी चित्त भी। मनन में मन काम करना बंद कर देगा क्या? नहीं, मन चित्त के उद्देश्य के लिए जो वृत्ति लगा है उसके लिए मन समर्पित हो जाता है और इसकी स्थिरता आ जाती है, इसी के इसीलिए उसका नाम मनन है, स्टेबिलिटी। उसके पहले वो छटपट चटरपटर रहेगा। अभी अध्ययन किया, थोड़ी देर इधर आ गया, फिर एक लड़की दिख गई, फिर एक पेड़ दिख गया, फिर खाना दिख गया, आदमी दिख गया, फिर उसको समझाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डाइवर्सिटी। आप बैठ बैठ बैठिए बैठिए, नहीं सुनिए, इसमें से हो जाएगा मेरा, बैठिए हो गया, मैं इतने केवल एक बूंद लेना, एक बूंद नहीं मतलब दो चार दस बूंद। हाँ रहने दीजिए, नहीं तो वो हो जाएगा ना झूठ, एक बूंद तो कोई पीता नहीं, एक घूंट। ठीक है, तो ये समाता नहीं का मतलब क्या है? चित्त की जो कैपेसिटी है, हाँ, वो रूप और गुण तक है। तो चित्त में आठ क्रियाएं, चित्त के आठ कंपोनेंट हैं, ये आपको मानव मानवहर दर्शन में आप पढ़े होंगे। रूप, गुण, ठीक, ऐसे आठ कंपोनेंट है। ये जो आठ कंपोनेंट है, ये भौतिक रासायनिक संसार को चित्रित करने तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको रूप समझ में आएगा, गुण समझ में आएगा, इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी, और इसीलिए मानव भी भौतिक रासायनिक में भी परिभाषित होगा, इसीलिए मानव भी जड़ या प्रकृति, यदि मानव और शेष प्रकृति यदि लिखेंगे तो ये दोनों भौतिक रासायनिक विधि से ही परिभाषित होगा मूल में। फिर मानव के गुणों के बारे में अनेक मान्यताएं रहेंगी, तो इसकी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। ओके, वन इज कौन किन से, कौन से कॉन्टिनेंट में रहता है, फिर कौन से रेस का है। ओके, ये जो क्लासिफिकेशन, ये स्पीशीज पर है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, हम अलग हो गए, वो अलग हो गए, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, करते करते क्लासिफिकेशन बनी। फिर ये हमारी जो स्पीशीज है, कौन से कॉन्टिनेंट पे है, कौन से रेस का है ना, कौन से कलर का है, कौन से यू नो लैंग्वेज का है, और राइट, कौन से फेथ का है, जो बेसिकली धर्म बोलते हैं। रेस का मतलब जाति, हुआ ही कि नहीं भारत में जाति, चार चार का, आठ आठ का, तेरह, पता नहीं, नेट पे ढूंढ के देखो भारत में कितनी जातियाँ हैं, 50-70 होगा।
तो जाति कैसे बनेगा? कोई भी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? उसकी कॉमनैलिटी है। तो हम सब मानव है, सो हमारा लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर यह है कि हम ऐसे खड़े रहते हैं और ऐसे हमारी कुछ बेसिक फैकल्टीज को पहचानना पड़ेगा, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन रूप। एक तो रूप तो एक आधार है ही, तो इंटरेस्टिंग थिंग इज कि रूप और गुण साथ साथ चलते हैं। तो रूप के आधार पर पता चलता है, ये बने छोटे बच्चों को भी पता चलता है, बहुत कोई फंडा नहीं लगता है। बच्चा कुत्ते को देखता थोड़ी जाके उसको बोलता है मम्मी, वो देखता है माँ को बोल के मम्मी बोलता है। ये बेसिक कन्फ्यूजन किसी को होता ही नहीं। या डर जाता तो किसी मनुष्य के पास ही जाएगा, चिंपांजी को देखेगा उसको समझ में आता ही अलग है। इतनी पहचान तो जानवरों में भी हो जा रही है, स्पीशीज की पहचान, तभी वो अपने स्पीशीज के साथ ही रहते हैं या अपने जातियों के साथ ही रहते हैं। हिरण, सारा हिरण एक ही साथ है, हिरण को कन्फ्यूजन हो गया और बाघ के गोदी में जाके लपेट लिया, ऐसा होता नहीं, होता है नहीं होता है, ठीक। तो मनुष्य में भी देखेंगे तो ये सारी क्लासिफिकेशन इस विधि से बनी है, लेकिन ये भौतिक रासायनिक संसार पर्यंत सीमित है। ये चित्रण की कैपेसिटी है और ये उपयोगी है, नहीं तो दुनिया समझ ही नहीं आएगी। है भारत में गए काम से, उसमें दिया होगा वो आरक्षण में, शेड्यूल में, अलग अलग शेड्यूल्स हैं कौन, तो उसमें डिफाइंड है। ओके, 6,000 तो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब चित्रण में क्या नहीं समाएगा? अस्तित्व के वो भाग जो चित्रण में समाते नहीं, वो उसको कौन समझेगा? उसको चिंतन समझेगा। ओके, कुछ चिंतन में समाएगा, कुछ बुद्धि में समाएगा, कुछ आत्मा से ही समझ में आता है। अभी क्या है हमारे पास, ये दिखता है ना, एक तो लेटर से दिखना, डी इक्वल टू दिखना एंड बी इक्वल टू भाषा। ये दिखता भी है, इसका भाषा भी है। ओके, अभी आप में क्या है, अभी हम जो कर रहे हैं, ये कुछ यहाँ की वस्तु कुछ दिखती नहीं लेकिन इसकी भाषा आ गई, इसी का नाम है बोल बच्चन, ठीक है। बी 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 आने से बी बी हो जाता है, समझ में आता है। वो दिखता नहीं है, उसकी भाषा आ गई, वो भाषा अर्थ के रूप में कन्वर्ट होके इसी चित्रण में दिखता है, ये भाषा। इससे स्वभाव, धर्म और सत्य का, अच्छा तीन, चलिए आधा हो गया। हाँ वही गूगल का रिपोर्ट, मतलब किसी ने कहीं लिखा है, ये भी लोग बोलते गूगल से, गूगल को कुछ नहीं पता है, जो लोगों ने लिखा उसको ला के देता है, सर्च है, ये भी एक भ्रम है। गूगल से पूछो, उसको कुछ नहीं पता भाई, जो लोगों ने बोला वो बोल वापस लाता है। ये समझ में आता है, जो चित्रण में समाता नहीं, इतना समाता नहीं, तो जो नहीं समाता है वो साक्षात्कार होता है। नहीं समाता का मतलब उसकी संपूर्णता समाती नहीं, उसका शब्द तो समाता है तभी तो बात कर पाते हैं, ये तो बात ही नहीं कर सकते, ऐसा है। और आगे भी ऐसे होते जाते हैं, मतलब साक्षात्कार में भी कुछ नहीं समाता, वो बुद्धि में स्टोर होता है, बुद्धि में कुछ नहीं समाता, वो ऐसे टाइप का कुछ उस आगे भी होते हैं चित्रण नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता है, नहीं समाने वाली चीज़ नहीं होती है, ये चित्रण तक है, फिर उसका जो नहीं समाता है उसका साक्षात्कार होता है ना, जैसे न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है, फिर न्याय बुद्धि में स्टोर होके स्वभाव और धर्म मुख्य रूप में बुद्धि में आता है, उसमें से स्वभाव स्थिर हो जाता है बुद्धि में, स्वभाव बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है, धर्म पूरा स्पष्ट नहीं होता है बुद्धि में, तो धर्म के अनुभव के लिए फिर आत्मा में अनुभव होता है। ऐसे सत्य भी अभी हम चित्र तो करते ही हैं, सत्य का एक भाग तो दिखता है, एक पेड़ है, एक आदमी है, गधा है, घोड़ा, ये भी सत्य है, लेकिन ये आदमी का प्रयोजन क्या है, केवल देखने से तो नहीं आएगा,
उसको सोचना पड़ेगा, उसमें हमारी कल्पना जुड़ेगी, वो हमारी मान्यता के अनुसार होगा। यदि व्यवसाय के अनुसार प्रयोजन को सोचेंगे, बोले इनका काम है आर्ग्यू करना, इनका काम है कंप्यूटर बनाना, इनका काम है कपड़ा बुनना, इनका काम है खाना बनाना, ये इनका प्रयोजन है, उसकी उपयोगिता होगी, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। बट यदि पूछें कि ये मनुष्य के रूप में क्यों है ना, और वो जो होने की जो स्वरूप है उसका क्या प्रयोजन है, फाइनली सभी लोग क्यों हैं, हैं उसके लिए फिर एक कहानी बनाना पड़ेगा, भगवान ने बनाया, इसके पेट से निकला, उसके पेट से निकला, उसने पाप किया, कुछ तो देंगे, उसका उत्तर के लिए साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो दर्शन क्या करता है, उन उत्तरों को भाषा के रूप में तर्क से बांध के हमको दे दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो कल्पना जो है हमारी उसको स्वीकारती है, इसी का नाम है भास होना। मतलब मध्यस्थ दर्शन झूठ नहीं बोल रहा है, ये तो अभी आप लोगों को यहां तक तो लगता होगा ना अभी कि नहीं लगता है। हाँ, वो जो झूठ नहीं बोल रहा है, ये जो घंटी है ये आपके जीवन में बज रहा है, हमारे बोलने से नहीं हो रहा है। आपके जीवन में घंटी बजेगी तो वो विश्वास होता है। इसमें रिस्क क्या है, गलत चीजों की भी लोग घंटी बजवा देते हैं, ठीक होता ही है ना, सुइसाइड बॉम्बर होता है। आप सोचो मरने के लिए तैयार हो जाता है, वो सोचता कि वो श्रीलंका ने इन्वेंट किया सुइसाइड बॉम्बिंग, LTT वॉज द फर्स्ट सुइसाइड बॉम्बिंग, उसको फिर अभी लोगों ने पकड़ लिया जिहादियों ने। वो जिहाद क्या, जिहाद का भी विपरीत दोष है, जो जिहाद लिखा है इन लोगों ने बनाया, वो अलग ही बना लिया, अपना मन का पकौड़ी बना लिया अपने अनुसार, तो उसको भी लगेगा मेरी घंटी बजी। ठीक है यहाँ तक, और कुछ कल जो पढ़े हम उससे कोई भैया, ये मूलवत अपन जब अध्ययन में एंट्री करते हैं और फलवत, तो फलवत में ज़्यादा त्रुटि होने की संभावना, ज़्यादा त्रुटि फलवत में, हाँ ज़्यादा त्रुटि मतलब दोनों में ही हो सकता है। देखिए फलवत ज्ञान का मतलब जो जीने में आए और जिसको हम रोजमर्रा के जीवन में अनुभव कर सके, मूलवत ज्ञान का मतलब जो मूलवत एक्चुअली फलवत के द्वारा ही प्रकट हो रहा है, तो इसीलिए वो मूल ज्ञान को पूर्ण रूप से स्थिर किए बिना या समझे बिना केवल फल को यदि करने जाएंगे, कुछ हद तक तो ठीक होगा, उसके बाद नहीं होगा, कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद बिगड़ जाएगा। उसमें जैसे कुछ सोचने पे आते हैं तो फलवत में जाते हैं तो कहीं पर ट्रैप आ गया, इस टाइप का चित्रण होता है, चित्रण वो इस टाइप का है कि इसीलिए ये बहुत फास्ट फैल नहीं सकता। जैसे यदि हम ये कल्पना करें कि 50-10 साल में पूरे दुनिया को जीवन विद्या पढ़ा देंगे, निकलेगा कुछ नहीं उससे, हमारा गला सूखेगा, इतना ही है। आपको क्या लगता है, अभी हमने 4 दिन लगाया, ठीक, एक क्रम से चले, एक गति से चले, यदि मैं ये सारी चीज़ों को आपको 2 घंटे में बता दूँ, कुछ पकड़ में आता, नॉन स्टॉप यदि बोलेंगे बहुत फास्ट, नहीं आएगा। वो 50,000 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ उनको बोल दिया, होगा नहीं होगा, इसकी एक क्रम है। ठीक है, और कुछ जो पढ़े हैं पहले उसको कर लेते हैं, फिर बचता है टाइम तो आवश्यकता पढ़ने पर मनन में जाएंगे, मतलब उसमें जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, या एक हो सकता है कि जो वो जो 98 पेज का डॉक्यूमेंट है उसको प्रोजेक्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो करेक्शंस है मैं करके बाद में मैसेज करूंगा उसको, आप कुछ माइनर करेक्शंस है।
ये सब पे एक अच्छी चर्चा हुई है श्रद्धेय बाबा जी के साथ, वो इंटरनेट पे उपलब्ध है। मेरे पास यहाँ किसी का नंबर नहीं है, बट आई विल सेंड इट टू, अच्छा इनको भेजता हूँ, इनका नंबर स्टोर्ड है, मैं भी भेजता हूँ, नेट पे है, बट कुछ थोड़ा सा वो हमारी वेबसाइट और लाइब्रेरी भी थोड़े जंगल जैसे बन गए, उसमें पौधा ढूंढना मुश्किल है नए आदमी के लिए, वास्ट है ना लिटरेचर। तो बाबा जी वाला और नहीं फैलेगा, वो स्थिर हो गया, केवल उसका वो करेंगे। और कल एक बढ़िया एक व्यक्ति मिले थे, एक अचल है इधर, तो हम दोनों बैठकर कल दो एक घंटा बात किए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देंगे। अच्छा ये, अरे देखो हम लोग टिकट बुक किए और इंटरनेट गया, बाप रे चल रहा है। आगे बताइए कोई क्वेरी भैया। ये मानव व्यवहार दर्शन में अध्ययन का एक और परिभाषा है कि अधिष्ठान की साक्षी में बुद्धि द्वारा बोध पूर्वक स्मरण सहित की गई स्वीकृति की अध्ययन संज्ञा है। वही है, एक ही परिभाषा है दोनों हा? दोनों एक ही है वही आप, हाँ एक ही है, दो थोड़ी होगा अध्ययन का, दोनों एक कैसे है आपको सोचना है, वही तो है शास्त्र अभ्यास में, एक ही प्रक्रिया को दो भाषा दिया है, वो दोनों एक कैसा हो गया सोचना है। अच्छा ठीक है ना, नहीं नहीं ठीक है, नो कनेक्शन और अदर में भी आउटडेटेड कंटेंट, नो डेटा कनेक्शन बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं नहीं ठीक है, मैं आपको भेजूंगा, तब तक आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने फ़ोन से कर लूँगा, जस्ट आपको वो करना है। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ पढ़ने वाला क्रम तो वही है, वो जो परिचय पठन में दिया है, तीन बुक दिए हैं, जीवन अध्यायिक परिचय, अस्तित्वादिक परिचय और मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन, इन तीनों को पढ़ सकते हैं। इसके साथ उसी पेज में दिए हुए कुछ बाबा जी के इंट्रोडक्टरी ऑडियो वीडियो हैं, उसको देखने से थोड़ी स्थिरता बनेगी। उसके बाद क्योंकि आप लोग 6 महीने में लगभग सारे पुस्तकों के एक बार गोत्र हो चुके हैं, जो पुस्तक आपको सर्वाधिक कंफर्टेबल लगे उससे प्रारंभ करना, भौतिकवाद किसी को पसंद आया, किसी को अर्थशास्त्र पसंद आया, एक भी पुस्तक के पल्ले नहीं पढ़ा या पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आ रहा कौन सा पसंद है या नापसंद है, तो नेक्स्ट बाबा जी के ऑडियो सुन सकते हैं जो लाइब्रेरी में है अभी 100 आवर्स। ओके वीडियो में भी 3-4 महीने में उपलब्ध हो जाएंगे, तो एक पैड है ये। इसको लिखें क्या, इसको एक ही साथ कर लेंगे, पहले मैं आपको भेज देता हूँ वो लिंक क्या था। ओके भेजा मैंने आपको, बाकी तो अध्ययन वस्तु पर और परिचयात्मक ऑडियो तो है ही, लाइब्रेरी में आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये एक और डाउट था जी, इसमें संवाद में लिखा है, सूचना से इंगित अर्थ को स्वीकारना साक्षात्कार बोध है, मतलब सूचना से इंगित अर्थ को स्वीकारना साक्षात्कार और बोध है, और इसमें मतलब आप लिखे हो उसमें अस्तित्व में वस्तु को स्वीकारना आभास है, ऐसे करके आभास का परिभाषा में
तो अर्थ को स्वीकारना और वस्तु को स्वीकारना ये तो अलग अलग नहीं, सब एक ही है। उसके स्वीकारने का स्तर है, बताया ना, भास आभास प्रतीति अनुभूति, ये स्वीकारने के स्तर हैं। तो वस्तु अस्तित्व में वस्तु रूप में स्वीकारने को साक्षात्कार बोलेंगे ना, इसमें तो अर्थ को स्वीकारना बोल रहे हैं साक्षात्कार। वही स्वीकारने के अलग अलग स्तर हैं ये, इसीलिए वही भाषा हर जगह आएगी, ठीक है, अलग नहीं है वो। अरे अध्ययन कराने वाला सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति यह आभास है। ओके, सत्य की प्रयोजन सहित स्वीकृति ये साक्षात्कार है। सौ घंटा है भेजा, केवल अध्ययन विधि से संबंधित चीजों का लिंक है। यहाँ पर इसको पढ़ना, होगा ना, दिखाइए। नहीं आप खोलेंगे तो ऐसा होगा, बट खोलने के पहले उसके ऊपर डाउनलोड की लिंक आएगी, आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर में खोल देगा, बट क्लिक करने के पहले एक डाउनलोड की बटन रहेगी उसमें। अच्छा, सेव टू डिवाइस बता रहे हैं, ऐप भी है, आप वो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो पूरा वो दिखा देता है। हाँ ऐप, हाँ उसको करके, हाँ उसको खोल के उसके अंदर से ए नागराज यदि खोलेंगे तो यदि वेबसाइट जाएंगे माने ब्राउज़र पे तो ओपन इन प्री क्लाउड का ऑप्शन देगा, तो सारी चीज़ अंदर से खोल देगा वो। हो गया खुल, डाउनलोड वाला दिख गया आपको, इनको पता है। हाँ ठीक है, ये देखने से क्लियर होता है। स्वीकृति किसका किसका हो रहा है उसके हिसाब से, अलग अलग स्वीकृति है ऐसा। स्वीकृति अलग अलग, स्वीकृति के अलग अलग स्तर हैं। हाँ। सब में अर्थ है, कुछ अर्थ चित्रण तक जाके रुक जाएगा क्योंकि आगे की आवश्यकता नहीं है ना। जीवन एफिशिएंट भी है, इनएफिशिएंट नहीं है। चाय कैसे बनाना इसके लिए चिंतन की जरूरत ही नहीं है, कम में हो जाता है। उस आदमी को कैसे टपकाऊं उसके लिए भी चिंतन की जरूरत नहीं है, चित्रण ही कर ले रहा है। उसके साथ संबंध का स्वरूप क्या है इसके लिए चित्रण की आवश्यकता है, ऐसा। ठीक है, चाय पी के आएंगे, आधा घंटा है ना अपना ब्रेक, हाफ एन आवर है। ओके, किसी आगे के समय में हो सकता है 50 वर्ष 100 वर्ष बाद विद्यालय में ही ये शिक्षा एक फाउंडेशन कोर्स में जब पहुंचेगा, जब भी पहुंचेगा है ना, तो ये फिर प्रश्न बनता नहीं क्योंकि उसी के वातावरण में उसी चीज़ को देंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रयत्न है, मेरे नज़रों में तो प्रयोग या प्रयत्न ही कहेंगे। प्रौढ़ अवस्था में आके तो दिक्कत तो आएगी ही, जो हम पहले भी बात किए थे, शायद जब वो
स्वधन वाली बात जब हुई थी ना, तो बहुत सिंपल रूप से यदि देखेंगे तो ये जो वायर ऐसा लगता है कि बाल है, बार बार मैं उसको पीछे कर रहा हूँ। ये तो महिलाएं करती रहती हैं ऐसे, जिनका लंबा बाल है ऐसा 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 आदत हो जाता है। अच्छा नहीं नहीं ये इधर इधर, मैं पहले ऐसे लगाता था और 10 साल इस दुख को भोगा हूँ। देखो ये चश्मा निकला, अब ये हटा, अब इसको डालना है, फिर चश्मा डालो। फिर राजकोट में एक ने पता है, नहीं ये ऐसे बैठता है कान के, मुझे पता ही नहीं था, वो कोई बोला भी नहीं ऑडियंस में, ये यहाँ बैठता इसको गले में काम करता है, ये ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा नहीं आ रहा, अब आ रहा है, आ रहा है आवाज, डब्बे से आ रहा है, तो शांति हो गई। चलो तो ये प्रौढ़ों के लिए तो ये दिक्कत तो आती है, क्योंकि इसको यदि देखेंगे तो जो जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी जो दर्शन लिखी जाती है उसके जो दर्शन भाग है और उसकी जो अध्ययन विधि है वो किसी देश काल के लिए नहीं लिखी जाती, व्यक्ति परिस्थिति समय के अनुसार नहीं रहता है, देश काल अतीत होता है। तो उसके लिए योग्य शिक्षा की व्यवस्था होना, उसके लिए योग्य अभिभावक होना, उसके लिए योग्य संस्कृति होना, सभ्यता होना, इसके लिए फिर दर्शन में योजना प्रस्तावित किया गया है, जिसको जीवन विद्या योजना, शिक्षा संस्कार योजना और परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ऐसे नाम दिया है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये जीवन विद्या योजना के अंतर्गत ही खड़ा हूँ, ये मेरा जीवन विद्या योजना में भागीदारी है ना। तो वो मैं अपने जैसे कुछ शोध के लिए भी करता हूँ, वैलिडेशन मतलब जांचने के लिए भी करता हूँ, तृप्ति के लिए भी करता हूँ, ऐसा है। अब हाँ वो वैसे अलग से छपी नहीं, वो शिक्षा संस्कार योजना तो बाबा जी ने अलग से शिक्षा में लेख लिखे हैं, वो अभी स्कैन होकर चले गए हैं। नहीं नहीं वो तो टाइप ही नहीं हुआ है अभी, टाइम अभी तो हम उसको पकड़ के स्कैन कर पाए 25 साल बाद, ये बहुत बड़ा काम हो गया, 25 साल से नीचे पड़ा था। तो इस वाले पक्ष को देखेंगे तो कैसे किया जाए, तो मुझे जो समझ में आता है विद्यार्थी गृहस्थ मतलब व्यवहार समाज में स्टार कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समाज के लिए कुछ करना है ये ऑप्शनल है, यदि आपको उपयोगी लगे तो आप कर सकते हो, फिर वो कौन से भाग में आप करोगे ये तय करना पड़ता है, तो उसको बाद में आएंगे। अभी सर्वप्रथम जो आपने कहा या रखा कि पढ़ने वाली बात या, तो ये विद्यार्थी वाले उसमें आता है। एक आयु के बाद मानव में प्रमाणित करने वाली या व्यक्त होने वाली चीज़ बढ़ जाती है, इसलिए पुनः उसको पढ़ाई की तरफ ले जाने के लिए कठिन पड़ता है। सबसे अच्छा समय दर्शन जैसी चीज़ को पढ़ने के लिए है मेरे अनुसार तो 15 और 25 के आयु के बीच, मैक्सिमम 30 तक, उसके बाद फिर दिनों दिन वो या हर वर्ष कठिन होते जाता है, क्योंकि गृहस्थी के कामकाज, बच्चे, फिर उससे संबंधित जो कुटुंब के जो कार्यक्रम हैं ये सब आ जाते हैं। भौतिक वाली चीज़ें जो है, एक तो परिवार और स्वयं के लिए जो भौतिक चीज़ों हैं उनका उत्पादन, फिर मेंटेनेंस से लेकर भौतिक चीज़ों में बैंक का पासबुक भरवाने से लेकर गाड़ी को ठीक करना, पेट्रोल डालना, बाल कटवाना, ये सारा भौतिक है।
है ना, चश्मा ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, फ़ोन की सॉफ्टवेयर क्रैश हो गई है, बैटरी डाउन हो गया, ये सारा भौतिक वाली चीज़ें हैं। तो इसका जो जिसको बोलेंगे हम ये डाइवर्सिटी, वो फैल जाता है। और किसी की यदि समाज में कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति पहले से है कि हम समाज में कुछ भला चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो वाला भी अधिक स्थान ले लेता है। अभी हम जो यहाँ 6 महीने रहे, वो इस पूरे जो चित्र है ना, इसको समझने के लिए था, और एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ रहे। अब घर जाने के बाद तो बाकी सारी चीज़ें तो आ ही जाती है। अभी ये 2 और 3 नंबर में जो लिखे हैं, इसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, तो गृहस्थी तो बंद तो नहीं होता है, और भौतिक आवश्यकताएं भी बंद तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो यदि जैसे आपके लिए है, घर परिवार है, बच्चे हैं, तो इसके लिए तो एक ही बात समझ में आती है कि नियमित अभ्यास, रेगुलरिटी। किसी भी इस प्रकार के साधना में रेगुलरिटी का के लिए कोई काट नहीं है। हम 2 वर्ष कमरे में बंद हो जाएंगे तो उससे हमको एक बूस्ट तो मिलेगा। तो फिर हर व्यक्ति अपना निर्णय ले सकता है कि भाई ठीक है, थोड़े दिन में यदि विवाह नहीं हुआ हो, जैसे पहले आप वाला केस ले लेते हैं कि विवाह हो गया हो, तो भौतिक जिम्मेदारियाँ बनी गई। वो भी यदि एक पुरुष है तो भौतिक जिम्मेदारी बनी गई कि आपको खर्चे के लिए कोई ना कोई कार्य करना है। और यदि स्त्री हो तो ये अनिवार्य आज के समाज में नहीं है, लेकिन घर के जो बाकी सेवा तुल्य जो कार्य होते हैं है ना, ये तो रहते ही हैं, और ये तो लगभग पूरे दिन चलते हैं। महिलाएं तो 70-80 वर्ष की आयु तक करते ही रहते हैं, वो बंद नहीं होता है, रिटायरमेंट कभी आता नहीं। तो ऐसा है, तो इस स्थिति में क्या किया जाए, तो नियमित अभ्यास क्या शास्त्रों का। तो सबसे अच्छा जो समय है प्रातः 5 से 7 बजे का है। इस समय में फोन बंद, दिमाग बंद, बाकी सारी चीजें बंद, इसको करना काफी उपयोगी है। हैं? सारी चीजें, एक मिनट भैया मैं क्लास ले रहा हूँ, अर्जेंट नहीं है तो 1 बजे कॉल करो। अच्छा नहीं, उनका QR कोड नहीं, हमको डालने के लिए उनका बैंक डिटेल और IFSC लगेगा। हम लोग नेट बैंकिंग ही कर पा रहे हैं, QR कोड कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए होता नहीं। बैंक डिटेल, हाँ मैं ऐड करूँगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, मैं ऐड करूँगा। अभी क्लास में हूँ तो 1 बजे ऐड करूँगा, तो 2 बजे हो पाएगा, 2-3 बजे। ओके हाँ, ओके थैंक यू। वो सम्मेलन चल रहा है ना, उसका पेमेंट मॉर्निंग, शाम को तो सब लोग गार्डन में घूमेंगे। AM तो ये चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, इनके लिए टाइम ठीक है। एक ही वो है जिनके अभी भी संतान हुआ है, वो रात को सोने नहीं देता, 4-5 बार उठता है, तो सवेरे फिर ये दिक्कत करेगा। अब इसमें चाहे तो आप स्वयं कीजिए या किसी ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत सारे लोगों को ग्रुप रीडिंग में अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग अकेले में ही करने में विश्वास करते हैं, और इसको क्रम से अध्ययन कीजिए। तो ये जो क्रम है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर यदि K फॉर क्रम लिखेंगे तो क्रम में यदि देखेंगे तो जो परिचय पठन वाली इसको कर सकते हैं। इसके बाद दर्शन शास्त्र में से, हाँ पहले हाँ उसको करके, जीवनोदायक परिचय करके इसको करें, तो ये सवेरे वाला समय इसके लिए बहुत अनुकूल रहता है, ठीक। और दिन में और कोई एक स्लॉट ढूंढना चाहिए जिसमें आप ऑडियो विजुअल्स को देखें, क्योंकि उसमें थोड़ा कम कंसंट्रेशन लगता है, और अन्य काम करते हुए भी ये चलते रह सकता है। आप घास काट रहे हैं, गाजर काट रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं,
खाना बना रहे हैं, इस समय ये सब चलेगा। ये दो चीज हमारे अंदर, जो भी हम बोलें सॉफ्टवेयर, ये भरते रहता है। अब इसमें इतना ही है कि फिर इसके विपरीत चीज़ों को देखना सुनना थोड़ा कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्लैश करेगा। हमने इसको पढ़ा, उसके बाद सलमान खान का पिक्चर देखा, थोड़े दिन तक चलेगा, एक आध वर्ष कभी मन कर लिया, पर धीरे धीरे वो कम होगा, यह होना चाहिए। एक तो ये वाली बात, क्या कह रहे थे? नहीं, यहाँ पर देखिए लक्ष्य सब आंतरिक चीज़ें हैं। समाज में लक्ष्य है मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो तो आपको इसके अंदर भी बनेगा। ये मुद्दा है कि समय लॉकआउट करके हम अपने उस पे हैं, तो दोपहर का समय या सायंकाल का समय, जैसे 4 से 5:30 में, इस टाइप की चीज़ों के लिए ये अनुकूल है, या रात्रि 8:30 PM है ना टू 9:30 PM, जल्दी भोजन कर लिया, अपना बैठ कर सुन रहे कान में, ये प्रौढ़ों के लिए है जो अभी विद्यार्थी वाले स्टेटस में नहीं है, और स्पेसिफिकली जिन लोगों का विवाह हो गया है या होने जा रहा है ऐसे लोगों के लिए है, जिनका संतान हो गया उनके लिए थोड़ा सा, मैं देखता हूँ हमारे ग्रुप में जिनका बच्चे हो गए, बच्चा जागृत करता है, या जागृत बना के रखता है, टाइम रोते रहता है ना रात भर, उठता है 4 बार दूध पीने के लिए, उसको ध्यान करना पड़ता है, ये सब है। या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हम सेवा में लगे हैं, तो कुल मिलाकर छोटे बच्चों की सेवा या बड़े लोगों की सेवा में ये वाली दिक्कत तो आती है, मतलब समय देने वाला। बाकी दिन में जो हम काम करेंगे, स्त्री है तो घर के अंदर ही होगा, पुरुष हो तो बाहर होगा। बहुत ही कम लोग हैं जो अध्ययन के लिए आते हैं अभी, और उनका अपना बगीचा है और उसमें आम है, और आम ही के बगीचे में काम करके वापस आना है। ये तो संख्या धीरे धीरे घटित, मतलब घटते जा रही है ना, कोई अधिक तो है नहीं है। तो एक तो ये है, तो शास्त्र अभ्यास को हम ऐसा बना के रखें तो अपने विद्यार्थी वाले जीवन को हम सुरक्षित कर लें। तो दिन में सवेरे 1.5 घंटा और उसके बाद 1.5 घंटा शाम को या रात्रि सोने के पहले, जब भी आपको समय मिले, गाड़ी चलाते समय इसको करते रहना चाहिए। पढ़ने के क्रम को यदि सोचेंगे, जैसे मैंने कहा परिचय पठन में एक क्रम सुझाया है, उसमें पढ़ना वाला भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, उसके बाद बाबा जी के मूल दर्शन है। इसमें भी यदि देखेंगे तो आपका उस समय जो इंटरेस्ट आता है उसके अनुसार आप पढ़ोगे पुस्तक। और दूसरा, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा जो रेंज है अध्ययन का, इसमें से जिस पर आपका ध्यान जाए उस पर आप शोध करोगे। किसी का परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में शोध होगा, किसी का अध्ययन विधि में जाएगा, किसी का एक समय में जड़ वस्तु में जाएगा, फिर प्रकाशन को पकड़ेंगे तो प्रतिबिंब समझना पड़ेगा, उसको सोचोगे तो है ना मैंने क्या है ताप को समझना पड़ेगा, फिर सापेक्ष शक्तियों को समझना पड़ेगा, तो ये चलेगा। तो किसी समय में हमारा मन किसी जगह में रहेगा, ये जीवन में स्वाभाविक रूप से होता है हमारे में, तो ये एक चीज और उसको होने देना चाहिए। और बीच में ये जो अध्ययन विधि में जो चीज़ों को सुझाया गया था कि किस विधि से हम कर सकते हैं, वो तो एक दो हमने उदाहरण लिए, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो शास्त्र अध्ययन का या शास्त्र अभ्यास का जो उद्देश्य है वो लिखित सूचना के प्रति एक तो हमारा ध्यान चले जाए, जिसको फेमिलियरिटी बोलेंगे, और उसके अलग अलग भागों को समझना। तो उसको 8 अंगों में मैंने बांट के बताया था शब्दों को, वो अलग अलग वास्तविकताएं ही हैं। तो शोध इस विधि से बढ़ेगा, और यदि उसमें हमको स्पष्टता बढ़ेगी तो अपने आप हमारे अंदर और आगे की चीज़ को समझने, सोचने, शोध करने के लिए जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस बीच में यदि हमारा समाज के प्रति, मतलब दुनिया को बचाने वाली इच्छा यदि हमारे में अति तीव्र नहीं है तो उसको थोड़ी देर के लिए विराम देना चाहिए, तीव्र है तो विराम देना चाहिए। यदि अब तक आपको समाज से कोई मतलब ही नहीं था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, तो उसको वैसे रहने देना चाहिए, यदि अध्ययन को करना है तो। समाज के लिए कुछ करना,
जैसे बिना पढ़े तो क्या करेंगे, परिचय शिविर लेंगे, बिना अध्ययन किए तो अध्ययन करा नहीं सकते। मैं ये नहीं बोल रहा होल्ड करें, मैं ये बोल रहा हूँ यदि शास्त्र अध्ययन पर ध्यान देना है तो वो होल्ड होना पड़ेगा, करना है कि नहीं आपको निर्णय लेना है। आपकी यदि इच्छा है उसमें और आपका मन उसी में लगा है तो उसी को करेंगे, ठीक। हाँ, छूटेगा नहीं। सवेरे जब उठोगे 5 बजे पढ़ने के लिए, 5:15 बजे याद आएगा कि वेबसाइट में एक लिंक टूटा है उसको पूरा करना है, 6:15 बजे याद आएगा कि 4 मैसेज भेजना है। समाज वाले कार्य को देखेंगे तो जीवन विद्या योजना है, जीवन विद्या योजना का जो एकदम आउटर मोस्ट वाला जो स्तर है वो है प्रचार, लोगों को इससे जोड़ना। तो जोड़ने में यदि देखोगे तो डिजिटली आप जोड़ोगे, है ना, कुछ वेबसाइट होगा, कुछ सूचना का प्रसारण होगा, बराबर, कुछ लेख होंगे, 1 घंटे का शिविर, 2 घंटे का शिविर इनको ऑर्गेनाइज करो, ये वाले इसमें जाएगा हमारा ध्यान। एक समय में यदि हम स्वयं बोलने वाले स्थिति में आएंगे तो परिचय शिविर, है ना, प्री परिचय शिविर, परिचय शिविर होगा, 1 दिन अध्ययन बिंदु लोगे, 1 दिन पुस्तक को पढ़ाएंगे, बराबर, पुस्तक के बाद क्या आता है, ऐसे अध्ययन विधि को पढ़ाएंगे, है ना, अध्ययन विधि को पढ़ाएंगे, अध्ययन विधि को पढ़ाने के बाद और क्या होगा, फिर गोष्ठियों को देखेंगे, गोष्ठी वो भी अध्ययन गोष्ठी, फिर मनन गोष्ठी, ठीक है ना। और इस बीच में जो है इसको यदि कराएंगे, करना है तो इसके बीच में फिर हमारा ध्यान जाएगा कि मैं एक सेंटर खोलूं या किसी सेंटर में जाके मदद करूं। तो ये सब दुनियादारी वाला कार्य, ये नहीं बोल रहा गलत है, इसकी इतनी स्पेक्ट्रम है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग वृत्ति होती है पहले से उसमें कोई, या तो वो सोचा रहेगा या लुप्त रूप में कुछ रहता है जो दर्शन दिखने से लगता है अभी मैं सबको बोल दूँ, ये वाली चीज़ इसके साथ खुलेगी। मैं ये ना बोल रहा ना करें, लेकिन ये जो आपका अध्ययन वाला कंटेनर है इसको सुरक्षित रख, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि शास्त्र अध्ययन पर मैंने ध्यान कैसे बना के रखे, तब इसका उत्तर। यदि शास्त्रों से मन भर गया और अब लगता है कि इसको पचाऊँ, है ना, और साथ में ये वृत्ति है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो जीवन विद्या योजना में इतना सारा है, प्रचार से लेकर, प्रचार के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक, उसके बाद परिचय शिविर, है ना, अध्ययन बिंदु, पुस्तक, अध्ययन विधि जो अभी करके रखा है, गोष्ठी, मनन गोष्ठी, इसके बीच में कोई सेंटर खड़ा करना या खड़े सेंटर में जाके मदद करना, ये सब, ये होने मात्र से हमारा अध्ययन हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमारी जो समय है, जो उपयोगिता है, उसकी कुछ सार्थकता सिद्ध होगी, ठीक है, ये सपोर्टिंग है अध्ययन के लिए। तो ये हो गया। अब ये जो भौतिक वाला है, जैसे मैंने कहा, जब तक हम गांजा बनाकर नहीं बेच रहे हैं, जो का और रिश्वत लेके कहीं देना नहीं पड़ रहा है, जो कार्य है वो ठीक है, उसको हम एक पॉज बटन, है ना, पॉज बटन दबा दें और बोलेंगे तुमको मैं बाद में देखूँगा, पहले इसे पूरा होने दो। तो ये वाला जो है, धीरे धीरे हमारा मन जैसे शोध में लगेगा और वस्तु स्पष्ट होती जाएगी, तो आपको सैटरडे मिला, संडे मिला, तो ये आपका बेसिक फोकस हो जाएगा। मेरा जो अनुभव है अभी तक, और जो भी मैं सर्वेक्षण भी कर पाया मेरे मित्रों का और मेरे आसपास लोगों का, एक आदमी किसी भी समय ये 4 में से किसी 2 में ध्यान दे सकता है, एक साथ चारों पहले दिन से बहुत ही रेयर है। अभी तक मैं एक भी व्यक्ति को नहीं देख पाया पिछले 15-18 वर्षों में जो एक ही समय चारों को जस्टिस कर पाए, नहीं होता है, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है और ध्यान भी बढ़ जाता है। तो यदि, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, है ना, तो जिम्मेदारी घर में बढ़ जाती है कि मैं ये करूँगा और ये करूँगा, और यदि श्रीमती है तो ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ऐसे दो। तो दिन का जो समय है लगभग 7-7:30, बाबा जी का भी यही कहना था 7-7:30, वो होता भी है, करके भी देखेंगे ना, 7-7:30 तक दुनिया शुरू हो जाती है, मिक्सर चलता है, फ्रिज की आवाज़ आती है, गर्म पानी रखा रहता है, शरीर टेक ओवर करता है, कुल मिलाकर 7:30 के बाद शरीर टेक्स ओवर,
कपड़ा धोना, वो सूखा हुआ कपड़ा को लाना, वो सब आप कैलकुलेट करेंगे ना, लगभग ये मिसेलेनियस काम है 3-4 घंटे का। मैं सब एक बार करके देखा, 3 महीने का एवरेज निकाला अपना पूरा, सवेर से लेकर रात तक हर आधे घंटे में लॉक करता था क्या कर रहा हूँ जब किसी संस्था में रहा उस समय। तो इसको करना चाहिए। तो ये करते करते किसी समय में आपको जब लगेगा कि आप दर्शन शास्त्रों को समझ गए, है ना, इसके साथ अप्रकाशित भी जो लेख हैं, है ना, और गहन शोध में जाना है तो इसमें जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये लगभग 12,000-15,000 पेजेस, तो ये आपका चलेगा कि ये बौद्धिक पक्ष के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। आपको याद होगा हम जब प्रथम दिवस शुरू किए थे बौद्धिक, है ना, सो फॉर्डर फॉर द माइंड, बौद्धिक पक्ष के लिए, भौतिक को अभी हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, और व्यवहार में जो पहले से चल रहा था उसको बना के रख रहे हैं। इसमें झगड़ा ना हो, बस इतना हमको ध्यान रखना है। झगड़ा हो गया तो दिक्कत है, वो सब संबंध मूल्य मूल्यांकन सब बाद में आता रहेगा, अभी झगड़ा ना करें। झगड़ा कैसा होगा, मुझे पता है तुमको नहीं पता, या तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये दो ही विधि है झगड़े का। एक है कि मैं अहंकार से भर गया तो दूसरे को बेवकूफ़ समझना शुरू करूंगा, या दूसरों को चलाना शुरू करूंगा, तुम ऐसा बोलो तुम ऐसा मत करो, मैंने तुमको 50 बार बोला था, फिर वो लोग त्रस्त हो जाएंगे, वो दिक्कत आएगी, ठीक। और ये तो ये करते करते अब आपके ऊपर है, किसी समय में आपको इसकी तृप्ति मिलेगी। तृप्ति इस रूप में होगा कि मैं शास्त्रों को समझ लिया, या मुझे लगता है मैं मनन कर पा रहा हूँ, इसके साथ जिंदगी चलती रहेगी बाहर वाली। इसमें ये मदद करेगा कि आप इस प्रकार के स्थानों में आके अन्य लोगों के साथ वर्ष में 4-6 बार किसी गोष्ठी किसी शिविर में बैठना। मेरा ये भी सुझाव रहेगा, यदि आप 1-2 ही परिचय शिविर करके सीधे अध्ययन शिविर में आ गए, तो बीच में वर्ष में 1 बार या 2 वर्ष में 1 बार अलग अलग लोगों के परिचय शिविर में भी जाके बैठिए। वो इसीलिए क्योंकि परिचय शिविर में जो बातें होती हैं वो व्यवहारिक होती है और सीधे ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है। ये थियोरेटिकल है, एकेडमिक है स्टडी, ये धीरे धीरे हम काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे ना। देव मानव इधर होता है, दिव्य मानव इधर होता है, इसके पहले आचरण पूर्ण था, तीसरे सोपान में 4 स्कूल रहेगा, उसके बच्चे शादी करेंगे नहीं करेंगे, पूरा काल्पनिक पकौड़ी हो जाएगा वो। इसका नाम है विकल्प स्मृति, दर्शन का भाषा नहीं है। तो हाँ, आपको जो मन करे, परिचय सुनना है उनको सुनिए, नागराज जी को सुनना है नागराज जी को सुनिए, नागराज जी का परिचय है, नागराज जी का अध्ययन है, वीडियो है, बाकी लोगों का है। बट मैंने ये सुझाया कि सवेरे शास्त्रों के साथ बैठना ठीक है, और दिन में कभी ऑडियो वीडियो कीजिए, क्योंकि थोड़ा कम ध्यान लगता है। सबसे सुलभ है एक जीता जागता आदमी के सामने बैठकर सुनना, हमारे सारे इंद्रिय मन सब वो आपको सोने नहीं देगा, है ना, आपको फ़ोन देखने नहीं देगा, घूरता रहेगा तो आप फ़ोन नीचे करेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है। हमारा मन एक समय में 3 जगह से काम करता है, उसमें भी जो मैंने प्रधानता जो मन का शरीर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो आँख और कान के द्वारा, ये दोनों यदि लॉक हो गया ठीक तो मन लॉक होता है, मन भटकने का कारण यही होता है। तो सामने जब आदमी होता आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है और आपकी आंखें दोनों फिक्स हो गई, इसीलिए लाइव अच्छा। साथ में जीवन का भी प्रभाव रहता है, ये सबसे इजी है करना, मतलब सर्वाधिक सुलभता से ध्यान इसी में लगता है। इससे नेक्स्ट जो इजी है वो वीडियो, क्योंकि ऑडियो और विजुअल दोनों है, उसमें भी 2 इंद्रियां लॉक हो रही है लेकिन जीवन मिसिंग है। नागराज जी सामने बोल रहे हैं और कंप्यूटर से बोल रहे हैं, इसमें अंतर यही है, वो भाव प्रतिबिंबित नहीं होता है जीवन का कंप्यूटर से, तो उसके लिए थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा उसमें तदाकार होने के लिए। देख कोई भी उससे कम एफर्ट लगता है ऑडियो में, उससे मतलब उससे अधिक, और उससे अधिक एफर्ट लगता है पढ़ने में, उससे अधिक एफर्ट लगता है बिना पढ़े सोचने में, जो पढ़ लिया उसको अंदर ही अंदर सोचने के लिए, उससे अधिक एफर्ट लगता है जो सोच के निष्कर्ष निकला है उसके तात्पर्य निष्कर्ष निकाल के उसको जीने में लाने के लिए, उसका नाम है मनन।
ये एफर्ट का स्केल है ध्यान का, फ्रॉम अ लाइव पर्सन टू इंटरनल मनन। इतनी सारी ऑप्शंस हैं। कुछ वर्ष पहले ऑडियो वीडियो सब ऑप्शन था ही नहीं, तो ग्रंथों से ही लोग करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि जो पढ़ने वाला है, क्योंकि अधिक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और संसार तब सोया हुआ है ना, गाड़ियाँ नहीं चल रही, शांति है, और जल्दी ये 5 बजे यदि पढ़ने बैठना तो 4:30 उठना पड़ेगा या 4 बजे उठना पड़ेगा, तो उसका अभ्यास करके कर सकते हैं। सो के क्या मिलने वाला है, बिस्तर ही तो गर्म होता है, नहीं डेवलपमेंट तो कुछ होता नहीं ना सोते समय। अपनी ज़िंदगी के 1/3 समय हम खराटे ले रहे हैं ये तो हो रहा है, तो उसको बचाना, तो धीरे धीरे रात्रि के सोने के समय को 6.5-7 घंटे के अंदर ला सकते हैं, अप टू 6:30, 6.5 आवर्स इतने में हो जाता है। तो ये एक यहाँ तक प्रेडिक्टेबल है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। किस अर्थ में अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे आपका है, अब आपका धीरे धीरे करते हुए लगता है कि अभी केवल इतने से नहीं होगा, मैं ऐसे लोगों के बौद्धिक संगत, तो ये प्रत्येक एक वातावरण है, ये आपके जीने के स्टेजेस हैं, है ना। सो दीज आर स्टेजेस 1, 2, 3, 4 अप टू एज 24, फिर आपकी शादी होती है, जैसे ही विवाह होता है ये फ्री में आता है। जिस दिन विवाह किए, जैसे 12 बजे विवाह हुआ, 12:15 बजे 12:05 पे एक आदमी पूछेगा तुम कमाने के लिए क्या करते हो, उसके पहले नहीं पूछेगा, जैसे मंगलसूत्र डला वो पूछेगा कैसा घर कैसा चलाओगे, ये फ्री है। इफ़ यू 3 में मुंडी 2 में मुंडी डालोगे 4, 3 फ्री में आता है। ये नहीं पूछेगा तुम समाज के लिए क्या करते हो, तुम आजकल तुम्हारी उपयोगिता क्या रही, कुछ नहीं पूछेगा। यदि पुरुष हो तो ये पूछेगा, भारत में स्त्रियों को भी छूट है, भारत में मोर और लेस आप जिस क्षेत्रों से है, वो भी बॉम्बे पुणे की लड़की है तो उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी पूछ लेंगे, हाँ यू विल नॉट वर्क आफ्टर मैरिज, वो दबाव में आ जाएगा। ठीक, अब तो ये हमारी 4 स्टेजेस हैं, चौथे में जाना है कि नहीं, जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल है, किसी का 18 साल की आयु में खुलता है समाज के लिए कुछ करूँ, ये अनिवार्य नहीं है, ये आपके पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार है। यदि परार्थवादी दृष्टि आपके जीवन में पहले से स्थापित हो गया कि निकारणों की वजह से पूर्व संस्कार वातावरण किसी को देखकर प्रभावित हो गए, कुछ आपको मूल्यांकन हो गया, तो खुलता है, नहीं खुला है तो बंद रहता, बोलने से नहीं खुलता है। या मैं आपको बोलो आप परिचय शिविर का ट्रेनिंग लो, आपका मन ही नहीं करता बोलने के लिए, कहाँ से आप करोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक, एक तो ये, अब इन प्रत्येक 4 को होने के लिए एक योग्य वातावरण है, वी फॉर वातावरण। तो ये जो विद्यार्थी वाला जीवन है इसके लिए आपको एक बौद्धिक वातावरण चाहिए, राइट। ये जो व्यवहार है इसको ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए भी एक वातावरण चाहिए, ये जो भौतिक वस्तु है का उपार्जन उसके लिए भी कम से कम श्रम अभ्यास करने के लिए आपको एक वातावरण चाहिए। सबसे सरल है भूमि के साथ काम करना, क्योंकि उसमें सरकार GST आदमी कैलकुलेशन ये सब नहीं है, गाजर डाला उग गया देख लिया तो हो गया, बढ़िया हो गया। अब वो गाजर बेचना एक अलग प्रॉब्लम है, वो स्वधन वाले में हमने कवर किया था, उगाने तक श्रम अभ्यास है, श्रम अभ्यास को उत्पादन करना नेक्स्ट स्टेप, उत्पादन को विनिमय करना 3rd स्टेप, पैसे में कन्वर्ट करना, उस पैसे से घर चलाना 4th स्टेप। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं, पहले ही दिन यदि 4th स्टेप में कर सकते हो बहादुरी है तो, लेकिन वो चांसेस है कि क्योंकि आज के वातावरण बहुत विपरीत है और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है और हमको मैंने गाजर उगाना है तो वैसे भी आता नहीं, वो जो पहले से उगा रहा है उसका भी बिक नहीं रहा है ना, हमने भी मुंडी डाल दिया उसमें, तो सवेरे जैसे 5:15 बजे आप उठेंगे पढ़ने के लिए वो गाजर दिखेगा, इसको बेचना है 4 बजे 9 बजे, कल रेट 18 रुपये था आज 25 रुपये होगा तो मैं क्या करूँ, ये सब आएगा, हाँ दिन की चिंता इसमें आएगी। इसीलिए मेरा जो सजेशन है कि आपका शास्त्र अध्ययन एक स्थिर, जिस दिन आपको लगेगा ये दर्शन में क्या लिखा है, मैं बाकी को डिस्टर्ब नहीं किया है, तुमको बाद में आऊँगा, वेलकम टू यू। ठीक, तो इसकी एक वातावरण है योग्य वातावरण, अभी ये नहीं है, ये जो है इधर दिखता है ये टेस्ट बेड है, ये लैब है, ये है ना, NIFR नागराज इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जैसे TIFR है बॉम्बे में, ठीक है ना, ये सब लैब है। तो और समाज के यदि कार्य करने चाहते हैं इसके लिए योग्य वातावरण है, बट आजकल
ये जो नेट वाला काम है कहीं से भी होता है, तो आपके यदि इंटरेस्ट है क्योंकि क्या है उसे अच्छा लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, अच्छा लगना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ तो सुख मिलना चाहिए। 25 साल बाद अच्छा लगने वाला है तो थक जाओगे, 12वें साल में बहुत हो गया है ना, कितना भी तो नहीं हो पाता है। तो ये जब करते हैं तो ब्रेन में सिक्रीट होता है केमिकल उसको सेरोटोनिन, सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन, अच्छा लगता है। मैंने नोट्स बनाया, सबने देखा, अच्छा लगा, बट उसमें बचना भी पड़ता है, लोग तालियां बजाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर एक दिन लगेगा मुझे बहुत अच्छा आता है, फिर मुझे लगेगा संकेत भैया को नहीं आता, मुझे ही आता, फिर गया, वो अध्ययन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो समाज वाले कार्य में बचना भी पड़ता है कि हम किस उद्देश्य से उसको कर रहे हैं और अध्ययन की विधि में उसका रोल क्या है, है? ये मैंने, ये अध्ययन है ना, ये एक दर्शन है, ये समाज बचाओ आंदोलन नहीं है। ये जो बचेगा दुनिया इसी क्रम से बचेगा, आदमी ठीक होगा, आदमी से व्यवहार ठीक होगा, व्यवहार से कार्य ठीक होगा, कार्य ठीक होने से विनिमय ठीक होगी, उससे समाज में अभय बनेगा, समाज में अभय बनने से एक परिवार ठीक होगा, फिर चालू हो चाहे एक साल में हो चाहे 1000 साल में हो, क्रम तो यही है। ये क्लियर यदि होता है हमको उसी विधि से होगा। नहीं नहीं, अध्ययन का एक भाग हुआ, ठीक है, समझा नहीं पाना, देखिए बोलना एक कला है। जैसे मैं शिविर लेता हूँ, मेरी जो पत्नी है कभी बैठती ही नहीं, बोलती तुमको बोलना आता, आता कुछ नहीं है, ठीक है, अपने बारे में बता रहा हूँ। तो बोलना एक कला है, तो हम बोल नहीं पा रहे, इससे कोई वो नहीं है, किसी समय में उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब देख लीजिएगा। दूसरा, समझाने पा रहे का मतलब है कि हमारे अंदर कोई भास हुआ है, उसको हम बता नहीं पा रहे, इसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ है। हम जिस स्थिति में हैं उसकी आंशिकता ही बोल पाएंगे, आधा बोल पाएंगे, पूरा बोलने के लिए और अधिकार लगता है, हायर लेवल, ठीक है, इसके लिए योग्य वातावरण लगेगा। अब जैसे आप इधर आए विद्यार्थी बनकर, तो ये विद्यार्थी वाले जीवन के लिए योग्य वातावरण है। यदि बनता होगा तो यदि ये सब नहीं है, 2 और 3, यदि बोगी नहीं है केवल इंजन है, तो आ सकता है, बट उसके लिए भी वो फिर आपके ऊपर है ना, आजीवन आप बोलेंगे मैं कूद जाऊंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, इसको पूरा करूंगा, वो भी एक विधि है, बट उसके लिए स्वयं में श्योर होना पड़ेगा कि पुनर्विचार नहीं होगा 3 नंबर का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो समाज और योग संयोग से बनेगा ही बनेगा, बट यदि ऐसा लगता है कि नहीं उसका पता नहीं, तो 3 को सिर करके 1 को करते हुए फिर जिस दिन लगता है कि पर्याप्त हो गया 3, तो उससे मुक्त हो गए, फिर दूसरे किसी कार्य को किए, ठीक, ऐसा करना पड़ेगा। और जिनका आयु बहुत ही कम है वो फिर मैंने ये एक वाले पर अधिक समय दे सकते हैं, यदि परिवार की सहमति हो और स्थिति भी हो, और जहाँ पर हम करने जा रहे हैं वहाँ पर अनुकूलता भी रहे, अनुकूलता मतलब खाने पीने के लिए तो मिलेगा ही, लेकिन हम यहाँ 15 साल पड़े रहेंगे और खाने को मिलेगा ये भी नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऐसा है। तो हमारे 4 फेजेस हैं जीवन के, अभी हम 2 और 3 में आके पुनः 1 में जा रहे हैं, इसीलिए वो झिकझिक करता है। अभी कोई आपसे अपेक्षा नहीं करता है दुनिया में कि आप पढ़ो, यदि आप बोलेंगे मैं दिन में 4 घंटा पढ़ रहा हूँ तो लोग, तुम अभी तक पढ़ रहे हो, मतलब डफर है, 50 साल हो गया अभी भी बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक नहीं समझ में आता है। तो ये 4, और ये 4 प्रकार के लोग भी हैं पूर्व संस्कार के अनुसार, पूर्व प्रवृत्ति, किसी का बौद्धिक प्रधान होता है, किसी का परिवार में जीना प्रधान होता है, और किसी का 3रा नंबर मतलब लाइफस्टाइल चेंज प्रधान होता है ना। तो ये यदि आपको बहुत ये तकलीफ देता है कि मैं सीमेंट के घर में रह रहा हूँ, मैंने मध्य दर्शन पढ़ लिया, उसमें आवर्तन अर्थशास्त्र में कुछ लिखा है और उसे रहा नहीं जाता है, तो यदि पॉसिबल है तो बना सकते हैं मिट्टी का घर, है ना, फिर वो जो मिट्टी का टॉयलेट है ना, सोलर, कोई बुरा नहीं है, बट कंपल्शन नहीं है वो, उससे हमको तृप्ति मिलेगी क्योंकि हमारी इच्छा पूरी हो रही है ना, बट वो
हमारे लंबे जीवन को डिस्टर्ब ना करें, चार आदमी से झगड़ा करके भी करेंगे क्या होगा, सवेरे 5 बजे आप उठेंगे पढ़ने के लिए, वो आदमी सामने प्रस्तुत हो जाएगा जिसके साथ झगड़ा किया था। जैसे अब बुक निकला वो आदमी दिखेगा उसमें कि तुमने उसको मारा पीटा और मट्टी का घर बनाया। तो दूसरे टाइप का व्यक्ति ये है कि भाई उनको परिवार में जीना है, संबंध कुछ दिक्कत रही होगी पहले से, उसको ठीक करना है, तो उस पर अधिक उनका ध्यान रहता है। तीसरे टाइप का व्यक्ति जो मैंने कहा भौतिक विधि से अपने अध्ययन को या अभ्यास को सिद्ध करने के लिए अधिक मैंने रुचि रहता है, उनमें प्रवृत्ति रहता है। हम कितना भी बोलो अनुभव दर्शन पढ़ो, उसको वो मिट्टी का घर ही बनाना है, बनाएंगे। और चौथा टाइप का व्यक्ति है कि ये कुछ पढ़ा और पढ़ते समय हमको दुनिया को भी बचाना है, नंबर 4 जो है दुनिया को बचाने वाला काम। जैसे मैं भी कर ही रहा हूँ ना, तो 2005 में मैंने एक वेबसाइट बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, 20,000 पेज स्कैन किया, उसको कैटलॉग किया, उसको अपलोड किया, उसकी मेंटेनेंस करता हूँ। एक काम मैं दोपहर के समय, अब मेरा क्या हो गया, 3 समय मुक्त हो गया योग संयोगवश, ठीक। अब उसमें भौतिकीय विधि कहाँ रहूँ, तो ये सब क्या है, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि अब मैं जिस वातावरण में रह रहा हूँ अब इसमें नहीं रह सकता। ये व्यवहारिक और भौतिक वातावरण जो भी आपका शहर में है, कोई बॉम्बे में है, कोई किसी गांव में है, वहाँ सब लोग शाम को दारू पी के पड़े रहते हैं और आप मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हो, फिर लगेगा ये यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। तब जो है स्थान परिवर्तन ये 4 आधार पर देख सकते हैं उस समय हमारी जो आवश्यकता और रिक्वायरमेंट है। तो उस समय यदि हमको दिखता है कि अभी बुद्धि वाला पक्ष और विकसित करना है, तो बुद्धि वाले स्थान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि पहले से अभी विद्यार्थी के ही स्टेज में है तो सिंपल है, तो कर ही सकते हैं घर से, मैंने अनुमति सहमति लेकर या साथ में कुछ कार्य का जुगाड़ कर लिया। फिर एक समय के बाद यदि ऐसा लगे कि अध्ययन भी हो गया और लगभग इससे अधिक कोई हमारी जिज्ञासा बन नहीं रही है, यदि ऐसा लगता है तो नियमित यह अभ्यास तो छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ लिखते थे वो, पता नहीं इधर होता है कि नहीं, जो दादियाँ हैं ना, श्री राम जयम 108, 1008, 1,08, ऐसे ही है प्रैक्टिस, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिदिन 1.5-2 घंटा और पर्याप्त है ना, अभी तो 15,000 पेजेस भी आ गए, दर्शन का शोध, उस पर कोई लेख, ये सब चलता रहे दिन में 1.5 घंटा आजीवन, तो जीवन के लिए कुछ मिलता जाएगा। और उस समय फिर हम तय कर सकते हैं कहाँ रहना है, किसके साथ रहना, ये यदि प्रधान है। यदि ये शॉर्ट सप्लाई में लिखता है लगता है ना, तो फिर ये, तो यदि आप देखेंगे अच्छे लोगों का संगत ये वातावरण है ना, द कंपनी ऑफ गुड पीपल, ठीक है। फिर हमारा व्यवसाय जो है पूरक हो, पूरक कार्य, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री वर्क, हाँ। व्यवसाय के 2 भाग हैं, एक दर्शन के अनुसार देखेंगे तो कुछ हम हाथ पैर से करें, क्योंकि कुल मिलाकर ये कह रहे हैं दर्शन की भाई मनुष्य के भौतिक आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए कर्मेंद्रिय है, ठीक। 5 कर्मेंद्रिय से, एक से बोलता है, एक से पेशाब होता है, एक से टट्टी होता है, उससे पैसा कमा नहीं सकते, ठीक है ना। बचा 2 हाथ और पैर, ये चलने से कोई भौतिक वस्तु का उपार्जन हो, तो एक गमले में भी आप आलू लगा के शुरू कर सकते हो जहाँ पर हो, सिंपल है। उसमें सुख भी लगता है, प्राकृतिक नियम का भी अध्ययन होता है, शुद्ध कुछ भोजन भी मिलेगा। तो ये व्यवसाय वाले इसके 2 पार्ट हैं, एक मैंने इसके लिए योग्य उत्पादन, दूसरा पार्ट को मैं लिखूंगा जुगाड़, कोई एक जुगाड़ जिससे खर्चा चलता रहे। और हमारा उद्देश्य क्या है व्यवसाय में, कि ये जो सार्थक उत्पादन है ना, इसकी पलड़ा भारी हो और जुगाड़ की आवश्यकता शने शने कम हो। बट ये आपको फिर वो मॉनिटरी फाइनेंशियल डिस्कशन हो जाएगा, वो स्वधन वाले इसमें मैंने थोड़ा सा उसका बेस कवर किया था, पता नहीं कभी तो आया था ना इधर 2-4 महीने पहले,
तो ये ऐसा है, है? हाँ, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो वो निर्भर करेगा किस पे, कि हमको इसके लिए कितना समय, कितना ध्यान हमारा उस पे लगा है। हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, कुछ लोग सोच के कुछ अपना बना लेते हैं, बाकी लोगों का जो जॉब्स में कई वर्ष रह गए तो नौकरी की मेंटेलिटी हो जाती है। नौकरी की मेंटेलिटी के मतलब हम कहीं जाते आते हैं और कहीं से आता है, उसकी डायरेक्ट लिंक नहीं बनती है। उत्पादन में इतना ही है कि आपके करने में और रिटर्न में डायरेक्ट लिंक है, और यदि वो प्राइमरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो सीधा लिंक है। तो जो उत्पादन है वो हमारे आहार संबंधी चीज़ों का यदि हम कर लें, है ना, पहले अपना खुद का केवल मूंगफली उगा लें, ये कर ले वो कर ले, फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी जुगाड़ का मतलब परिवार के सपोर्ट, क्योंकि परिवार सहित ही ये सारा कार्य हो पाता है, तो जो पूरा परिवार है ना, उसके साथ इसको करें। और ये जो वातावरण है, जैसे आपको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, तो उसके लिए फिर ये मैं यहीं रहूं तो बढ़िया है, रोज़ मेरे को चांस मिलेगा, मेरे को ये तत्काल का टिकट करके इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसके लिए सामाजिक वातावरण, या यहाँ पर मीडिया, जैसे मैं आया संयोग से परसों, कल बैठकर दो घंटा भैया लोगों के साथ ये डिजिटल दुनिया के बारे में हम बात किए, फिर डेढ़ घंटा में बैठ के बात कर रहा था, फिर शाम को बात किया, उसके आधे घंटे में मैं उसको भूल गया, शट ऑफ हो गया। सवेरे में उठा, पुनः अपने अध्ययन और मैं जो शोध करता हूँ उसी में लगा रहा 7:30 तक, फिर बाकी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। उस समय वो याद नहीं आना कि वो आंचल से ये बात किया था कि वेबसाइट का ये करना है, फिर खोपड़ी उसमें जाता है। तो फिर ये जो भी हम उत्पादन शास्त्र अध्ययन होने तक, शास्त्र अध्ययन होने का मतलब क्या है, दर्शन पक्ष के जानने मानने की वस्तु अलग, पहचानने निर्वाह करने की वस्तु अलग, वो जो 6 सूत्र बताया उसमें कंसंट्रेट हो जाएगा पूरा, मोर और लेस फुल कंसंट्रेशन नहीं होगा। हमको क्या, ठीक है कोई नई चीज़ हमको नहीं आ रही है ना, जो हार्ड लेबर है पुस्तकों को पढ़ने का, ये हो गया, एक घाट हो गया, फिर बाकी चीज़ों में हम खोल सकते हैं। तो जिनका अधिक जिज्ञासा है वो मनन से लेकर साक्षात्कार और हम भी कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसके लिए फिर योग्य वातावरण इधर आएगा, है ना। सो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, ये अच्छा लगता है भाई, हम शिक्षा के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगेगा ये, बट ये बाई इटसेल्फ अध्ययन नहीं है। अच्छे स्कूल तो बहुत सारे लोग, अच्छे मन से बहुत सारे लोग चला रहे हैं, केवल उनके अंदर का सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है। तो ऐसा, तो वो जो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है, जो अच्छा लगता है, वो या तो जीवन विद्या योजना, उसमें पूरी स्पेक्ट्रम है, शिक्षा योजना, उसमें पूरी स्पेक्ट्रम है, पहले शिक्षा को सोचना पड़ेगा, बाबा जी की शिक्षा के लेख सोच के हमको साक्षात्कार नहीं होगा, होगा साक्षात्कार, शिक्षा का वस्तु साक्षात्कार का वस्तु नहीं है ना, कि है नहीं है, साक्षात्कार का वस्तु क्या है, नियम न्याय धर्म सत्य, उसमें शिक्षा नहीं है, गादर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब प्रकट करने वाली वस्तु है, चित्रण वाली वस्तु है, परावर्तन वाली वस्तु है, ये हमको अध्ययन पूर्वक स्पष्ट होगा, ठीक। जैसे जैसे ये स्पष्ट होगा उसी के साथ ही शिक्षा को भी हम ठीक से समझ पाएंगे, उसके पहले क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्या, नहीं, क्योंकि जागृत चित्रण है वो, अभी जो चल रहा है उससे तो श्रेष्ठ हर हालत में है, बट उसमें फिर डिफिकल्टी दिक्कतें, जैसे भैया लोग 4 से 7 वो प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं कल बैठ नहीं पाया था, अभी जो चल रहा है, हम जो करना चाहते हैं इसमें दूरी होगी, फिर हमारे में भी कमी होगी, ये सब चर्निंग चलता रहता है। तो वो सब लोगों की वृत्ति के अनुसार है, जिसका उस पर मन लगता है वो करेंगे, अनिवार्य नहीं है। एक दिन यदि आपको लगता है कि खोपड़ी फ्रीज हो गया और कुछ घुस नहीं रहा है तो करेंगे क्या, है सब लगा दिया, 12-15 साल सारा निचोड़ लिया, मैं आंखें मूंद लिया, उल्टा लटक लिया, मनन नहीं हो रहा या साक्षात्कार नहीं हो रहा, साक्षात्कार हो रहा तो समझ में नहीं आ रहा हुआ है कि नहीं हुआ, क्या करोगे, उतना ही करोगे वापस, प्रतिदिन का अभ्यास करोगे, 4 आदमी से बात करोगे, तो उसके सुखों को फिर हम देखेंगे ना। तो सामने वाला व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक सुख का स्रोत है, बेटी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो सुख की स्रोत है, उसको उस समय भोगेंगे ना। उत्पादन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो करने लायक काम है, वो अच्छा लगता है, उसको करूँगा, ठीक है ना। सम्मेलन में जाना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक करने योग्य काम है, उस पर मन है जो ठीक है, ये करते करते किसी समय में ये क्लस्टर होकर कॉन्सेंट्रेट पुनः होगा, बट उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आवश्यक है। यदि हम गौर से देखेंगे
आज के दिन पूरे दुनिया में आदमी दो और तीन ही करता है, चपरासी भी दो और तीन ही करता है और अंबानी भी दो और तीन ही करता है, केवल लेवल में अलग है, तीन के लेवल में अलग है और दो के स्वरूप में अलग है, कुछ फर्क नहीं है। आप वही करोगे जो आपके पिताजी किए, इसमें कुछ उड़ के कहीं से आके कुछ नहीं होने वाला है, केवल स्पष्टता बनेगी, बाहर से आदमी वैसे दिखेगा, झगड़ा नहीं करता है, साथ में रहने को अच्छा लगता है इस आदमी के साथ, इतना पता चलेगा लोगों को बेसिक, ठीक। बाकी जो चीज़ें पता चलेगी जब कभी आपका अवधारणा होगा तब सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा, बोध में उससे अधिक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। अनुभव हो गया तो लोग आपको माला पहनाएंगे, पैर छुएंगे, आपके बर्थडे पे आके अनुभव शिविर करेंगे, ये होगा, वो अंतिम है, उसके बाद आप प्रमाणित करना, वो सब बात की बात है। तब तक क्या करेंगे, जिएंगे, तो जीने का मतलब इतना। तो इसी को यदि क्रम से देखेंगे तो ये अभ्यास के रूप में देखेंगे तो शास्त्राभ्यास में जो तो स्पष्टता होती है वो व्यवहार अभ्यास में आएगा। उसके पहले क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, अभ्यास नहीं रहेगा, सिंपल, व्यवहार तो बंद नहीं होगा ना उसमें, अभ्यास मतलब एक सतर्क प्रयास हो रहा है मेरी ओर से उस संबंध में। जैसे मैं मान लो मित्र संबंध पर मैंने मनन कर रहा, आप सामने आए, ये सामने आए, ये सामने आए, उस पर मनन होगा कि ये जो सामने आए ये क्या है, ठीक है, ये संकेत भाई मैं पहले से जानता हूँ, ये इनको चार दिन से, इनको छः दिन से, पर इनके साथ व्यवहार की विधि क्या है जो स्थिर विधि है, उस पर हम सोचेंगे, उसको हम फिर करेंगे, करके देखेंगे, वो करते करते किसी समय में स्थिर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो मनन में न्याय का अभ्यास पूरा हो गया, कम से कम एक क्षेत्र में, मित्र में, फिर इसमें उसमें, उसमें फिर एक आधा दो मैंने वो बोलते हैं रॉ एंड बचा रहेगा, एक आदमी परेशान कर रहा है, जितना भी मैं ट्राई करूँ उसने हो ही नहीं रहा उसके साथ, तो उसको स्टैंड बाय में रख देंगे थोड़ी दिन के लिए, ठीक है तुमको बाद में देख लूँगा, बहुत दूर से नमस्कार करके भाग जाओ वहाँ से, और क्या करोगे, ठीक। इसका नाम है व्यवहार अभ्यास। तो व्यवहार अभ्यास का जो कंटेनर है या परिवार, ये इंटरनेट पर नहीं होता है, फ़ोन पे नहीं होता, वीडियो कॉल पे नहीं होता, लाइव आदमी चाहिए उसके लिए, ठीक। ये इसी का नाम है, यहाँ जो करेंगे इसी का नाम है कर्म अभ्यास, ठीक। ये दोनों करते हुए हमारे ही अंदर स्व मूल्यांकन होगा, और इसी परिवार में जो हम कर्म अभ्यास करेंगे इसी का नाम है व्यवस्था में, एक्चुअली व्यवस्था में भागीदारी यहाँ आएगी, व्यवस्था में भागीदारी। जो बच गया, जो पूर्व वृत्ति हमारी, हमको लगता मेरे पास पर्याप्त भी हो गया, नाउ आई कैन गिव बैक समथिंग, मैं कुछ देने की स्थिति में आ गया, या पहले से मेरी वृत्ति थी, मैं संसार के लिए कुछ करना ही चाह रहा था और ये अच्छी वस्तु मिल गई, वो पैरेलल ही चलता रहेगा, है ना, उसका नाम हो गया समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नाम है वो। या समाज व्यवस्था में भागीदारी, ओनली व्यवस्था में भागीदारी इज इन द फैमिली, समाज व्यवस्था में भागीदारी आउटसाइड। हाँ, और क्या, अभी समाज व्यवस्था में भागीदारी बहुत सारा है, इलेक्शन टिकट के लिए लोग जाके मदद करते हैं, वो भी समाज व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, और क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी में जाके मदद करता है, ये करता है, वो करता है, वो सब वही है। अभी इस, यदि हमारा बिलीफ इसमें हो गया, फिर हमको लगेगा कि क्या भाई दुनिया के लिए सबसे अच्छी टिकाऊ चीज ये है, ये यदि मेरे मन में आ गया तो उसी में करूँगा, सबसे अच्छी संपूर्ण और दीर्घकालीन सोल्यूशन यदि यही है, ये यदि जब कभी मुझे क्लियर होगा, चाहे पहले दिन हो, बीच में हो, बाद में हो, अंत में हो, तो मेरा जो भी फ्री टाइम है, अधिक समय है, मैं जो भी निकाल सकता हूँ मेरी इच्छा अनुसार, मेरी तृप्ति अनुसार, आवश्यकता अनुसार, योग्यता अनुसार, मैं उसको करूँगा। जैसे मैं इधर साल में, वर्ष में दो सेशन का मैंने ये किया, मैंने 10 का नहीं दिया, कोई बुलाए भी नहीं 10 के लिए, वो एक अलग बात है, बुलाते भी तो मैं मना करता, बाहर मैंने नहीं आ सकता, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं आई डोंट हैव टाइम। तो ये है, तो ये अभ्यास हो गए इसी के, और ये चार प्रकार के हमारे, तो इसमें यदि आप देखेंगे, इसको यदि तो मैंने समेटना यदि चाहते हैं
नंबर एक, ये जीने के चार आयाम या स्तर या समय, ये बौद्धिक वाला चलता है, बुद्धि गायब थोड़ी हो जाता है जीते समय, बना ही रहता है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जीने के चार स्तर हो गए, चार वातावरण हो गया, ठीक है ना, फिर यही इक्वल टू चार अभ्यास हो गया और चार प्रवृत्ति, चार में कोई कॉम्बिनेशन होगा, टू अधिक थ्री थोड़ा, टू थ्री अधिक वन थोड़ा, है ना, तरीके मानव या व्यक्ति। तो आपका क्या टाइप है आपको पहचानना पड़ेगा, मेरी सॉल्यूशन आपके लिए काम नहीं करेगी। और आपकी योग्यता या एक्चुअली परिस्थिति, क्योंकि ये जो तीन नंबर है यही योग्यता है, ये प्रवृत्ति ही योग्यता है, चार में परिस्थिति। तो कोई बाल बच्चे वाला है तो तीन नंबर को करके, है ना, वो प्रायोरिटी को सेट करेगा क्रियान्वयन के। बढ़िया, करोड़पति आदमी का बेटा है, अध्ययन करना चाहता है, पिताजी ने बोल दिया कर दो तो क्या बुरा, किसको क्या तकलीफ इससे। अध्ययन करना चाहते हैं, करोड़पति पिताजी है, बोलता है एक कौड़ी नहीं दूंगा, तो नहीं कर सकता है। परिस्थिति अलग है, है? फिर हमको लगता है कि मैं कूद जाऊं, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, ये लोग संभाल लेंगे, तो कूद जाओ। तो आपकी परिस्थितियां जो है वो प्रायोरिटी को सेट करेगी। अभी अभी शादी हुआ है, पत्नी को जीवन विद्या से चिढ़ होता है, तो नहीं जाओगे साल भर, थोड़ी शादी तोड़ के अध्ययन करोगे। अध्ययन दो साल कर भी लोगे, सवेरे 5:30 बजे जैसे ही उठ के मानवहार दर्शन खोलेंगे, सामने पत्नी दिखेगी ना, सारा झगड़ा याद आएगा, आएगा कि नहीं, कुछ फायदा नहीं हो सब करके। तो ये कुल मिलाकर ये चार, नहीं है वो इस पे फिट नहीं होता है। आप ये बोले कि उससे श्रवण होगा नहीं, श्रवण होने के लिए कुछ रुकेगा नहीं, आगे उसकी स्थिरता होने में दिक्कत आएगी, प्रारंभ में ये कोई भी कुछ दिक्कत नहीं करेगा। शिकायत मुख शब्द दर्शन में है ही नहीं, शिकायत शब्द ही नहीं है, और दर्शन की टर्मिनोलॉजी में अभाव मुक्ति अवधारणा की स्थिति में होता, उसके पहले होता नहीं, संपूर्ण अभाव मुक्ति, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। हाँ, कोई यदि अभाव ग्रस्त है तो उसके लिए समय नहीं निकाल पाएगा, ठीक, बट तो उसके लिए पूर्ण ग्रस्त होना पड़ेगा। ऐसा कोई भी अभाव नहीं है कि आपको मैंने 2 घंटे पढ़ने से रोकता है, फिर आपका मन ही अस्थिर है, ठीक है। और शिकायत वगैरह तो बहुत बाद में जाकर जाएगा, अभी कोई शिकायत दिखाती है स्टेज में, पहले से शिकायत मुक्त कुछ होता नहीं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए, आपके बौद्धिक चीज को रोकने के लिए कुछ करेगा नहीं। आप बढ़िया अपने जगह में हैं, आपको क्या है 4x3 का जगह चाहिए बैठने के लिए, 4x3 फुट हो गया, छोटा सा कोना मिल गया, आप हो गए। उसके लिए बढ़िया वातावरण है कि फिर मैंने जैसे रीडिंग ग्रुप्स हो गए, इसके लिए है ना, बना सकते हैं, अभी है गोष्ठी वो सब। तो आपके बौद्धिक अध्ययन को वातावरण की विपरीतता कुछ तोड़ेगी नहीं, अनलेस आप 5:30 बजे बैठे हैं और परिवार वाले चाहते हैं आपको अध्ययन नहीं करना, आके पानी डाल रहे हैं आपके ऊपर, पानी स्प्रे कर रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं आँख में, यही है फिर, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। यदि हम झगड़ा नहीं करेंगे घर से,
और ये नहीं बोलेंगे तुम आज तक भ्रमित जिए हो और मैं जागृति सब. इफ यू डोंट शूट योर माउथ ऑफ यू विल बी फाइन, है ना. दुनिया को नकार के घर वालों को बेवकूफ बोलोगे तो वो क्यों आपको सपोर्ट करेगा यार. और उसको बेवकूफ बोलने से तुमको साक्षात्कार होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा. तो एक तो ये है पैड. जो व्यवहारिक वाला वातावरण है इससे मिनिमाइज करने के लिए एक ही तरीका है, झेलना. व्यवहार को झेलना. कैसे झेलेंगे? उसकी योग्यता श्रवण मनन पूर्वक ही आएगी, दूसरी विधि नहीं है. एक जो मेंटल टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, पर गुण गणना, उनके पॉजिटिव्स को देखो, देखने का अभ्यास करो. ये एक मेंटल हैबिट है, ये है ना. दूसरों में बुराई देखना एक मेंटल हैबिट है, दूसरों में अच्छाई देखना एक मेंटल हैबिट है. क्योंकि व्यवहारिक वातावरण अच्छा मिलना आप स्थान बदलने से नहीं मिलेगा. आपको भौतिक स्थान मिलेगी, वहाँ पढ़ने की क्लासरूम होगी, सब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ तक तो मिलेगा. वहाँ हर आदमी का व्यवहार अच्छा होगा ये कोई आवश्यक है ही नहीं. चार का अच्छा होगा तो पांचवे का नहीं होगा. यदि 50 लोग हैं तो 49 का अच्छा होगा तो एक का अच्छा नहीं होगा. वो आपको तकलीफ देगा, मुझे तकलीफ देगा. तो व्यवहार में बाहर जो चीज़ें हैं जिससे हमको तकलीफ होती है उसका एक ही विधि है, झेलना. अब झेलने की कैपेसिटी बिना अध्ययन और मनन के किसी जगह तक नहीं आती है. क्योंकि समझना पड़ता है कि वस्तुगत सत्य और वस्तुस्थिति सत्य में जो अंतर है संबंध में, उसके लिए जीवन का अध्ययन हुआ रहना, जीवन क्रिया का अध्ययन हुआ रहना एक रिक्वायरमेंट देखेंगे तो. दूसरा, जागृति क्रम का ठीक से अध्ययन हुआ रहना कि जागृति क्रम में वो आदमी कहाँ खड़ा है ना. वो स्टेज वन में है, टू में है, थ्री में है, फोर में है. ये जो तीन का मैंने आपको ग्रिड बनाया था आदमी में है, इसका झेलने के लिए वो लगता है. क्या लगता है? मनुष्य को यदि हम ग्रिड से यदि वो करना चाहते हैं, एक तो उनके जागृति का स्तर, उनका लक्ष्य और प्रवृत्ति. ठीक, लक्ष्य का मतलब वो उनका विषय क्या है, है ना. वो या तो स्वार्थ होगा या परार्थ होगा, है ना, शरीर होगा, पद होगा, कुछ होगा. ठीक, तो जागृति का स्तर का मतलब या तो उनका मन सक्रिय है और वृत्ति चित्त साथ दे रहे हैं, या वृत्ति सक्रिय है तो तर्क वाला भाग उनका विकसित हुआ है, या चित्त सक्रिय है तो वह चित्रित कर पा रहा है. सो यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर टॉकिंग विथ. ये जागृति क्रम के अध्ययन में यह सब आएगा. तो प्रवृत्ति में वो ये आदमी सबका निंदा करता है, है ना, ये आदमी उदार है या कृपण है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बनेगी. इसको लिस्ट कर सकते हैं. तो यू हैव टू नो हु यू आर टॉकिंग विथ, है ना. हु यू आर टॉकिंग विथ, वो जो हु है वो है प्रवृत्ति. वो डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में है, एंड व्हाट डज ही और शी वांट. ये उस व्यक्ति का परिभाषा हो गया. देन ये सब उसका गुण है, उसके जीवन में है. जब हम उसको देखते हैं तो रूप सहित देखेंगे. ये इसको हम बोलेंगे वस्तु स्थिति. ये उसका वस्तु स्थिति है. ये कब क्लियर होगा? जब भाषा के द्वारा हम वस्तु स्थिति सत्य और रूप गुण स्वभाव धर्म, वो जो मैंने बोला, वो खिचड़ी पक्के ये हमारे अंदर मेंटली ये दोनों अलग हो जाएंगे. और मैं उसको, मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है, मैं कहाँ से उसको देखूँगा, ये वस्तुगत सत्य होना पड़ेगा. वस्तुगत सत्य में क्या आएगा? वो जीवन रूप में समान है, है ना. हम दोनों में सुख और दुख का एक ही कारण है, इसका नाम है संवेदनशीलता. ये सबकी स्वीकृति रहेगी. केवल भाषा तो नहीं होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी से, व्यवहार करते हैं, उस समय भाषा तो नहीं आती ना. यू डोंट लिव आउट कंसेप्ट. हम अपनी स्थिति को, कंसेप्ट को तो हम बोर्ड पर बताते हैं. जीते समय हमारा स्वभाव ही प्रकट होता है, तो इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ, और हमारे स्वभाव का भाग होना पड़ेगा. वही मनन है ना. तो
जीवन रूप में समान है, संवेदनशीलता, तो बेसिकली यदि देखेंगे तो स्वभाव धर्म के आधार पर उसको देखना, ऑन द बेसिस ऑफ स्वभाव एंड धर्म, रूप उसका दिख रहा है, दिस इज हिज गुण, ठीक, एंड वो संबंध का स्वरूप, ये स्थिर है, ये कभी बदलता नहीं, ये मेरा अध्ययन है, ये मेरी स्वीकृति है, इसके साथ में रहूंगा। सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है, हो सकता है, नहीं है, जो भी है, तो फिर अलग अलग लोगों का इसमें अलग अलग शेप दिखेगा, एक इसमें ऐसा है ना, एक इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम आपको दिखेंगे और साथ संबंध है, सो यू हैव टू इसमें सेटल हो के देन यूजिंग इसके आधार पर मैं बने रहते हुए यहाँ पर मैं झेलूँगा। ये कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है, अपना ही संतान हो सकता है, जैसे हमको दिखता भाई हमारा जो बच्चा झूठ बोल रहा है क्या करेंगे, झूठ बोलने की प्रवृत्ति मान लो एक बच्चे में, अपना ही संतान है, हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा बोल रहे हैं उसको, सब उसके बाद वो झूठ बोलता है, अब क्या करोगे, तो उसको झेलना भी पड़ेगा, नहीं तो कोई विधि नहीं है। तो शास्त्र अध्ययन करते समय कैसा करेंगे, उसको पोस्टमार्टम करेंगे, गलती हो जाएगी तो शास्त्र के आधार पर पोस्टमार्टम होगा कि ये जो गड़बड़ हो गया इसके कारण हुआ, तो धीरे धीरे वो स्थूल से होते होते सूक्ष्म होते होते अति सूक्ष्म कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं बचेगी आगे एडवांस्ड मनन में या बिफोर अवधारणा, यू नो, बट अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर अप हो जाएगी। तो ये झेलना, झेलने को मैंने इधर एक्सपेंड किया है, तो झेलने की क्षमता आने तक क्या ट्रेनिंग करें खुद का, उसके अच्छे क्वालिटीज़ को ध्यान दें, याद दिलाएं, परगुण गणना, दूसरा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि इसको यदि नहीं करेंगे और केवल हम वो किस विधि से इश्यू है, गलती है, इसको अध्ययन करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, करते करते पर मूल्यांकन यदि कर लेंगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स हमको दिखेगी। पहले एक प्रॉब्लम दिखता था, अब दर्शन के कारण 21 दिखेगा, उसका चित्त ऐसा है, उसके वृत्ति में ये वाला भाग ऐसा है, फिर इसने ऐसा किया वैसा किया, उसी में मर जाएंगे, उसका नाम है गॉसिप, मैंने उसके लिए सभ्य नाम दिया जनवाद। वो जनवाद करना गलत नहीं है, वो किस उद्देश्य करते हैं, जैसे हम लोग मिलते हैं, आप हम मान लो 15 भैया मेरे साथ 10 वर्ष पहले से जुड़े हैं दर्शन से, कुछ बातें होती है, वो उस योजना के अंतर्गत मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो योजना अच्छा चले, स्थिर चले, उस दैट योजना इज मेड अप ऑफ 21 पीपल, तो उसमें यदि किटपिट होता है इट्स अ प्रॉब्लम, सो देन उस प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा, उस अर्थ में उसको सार्थकता टर्न करेंगे। एक देन ये तो भौतिक वातावरण है, इससे इंसुलेशन तो दूसरा कोई विधि नहीं है, जैसे मैंने कहा या तो परिवार को पटाओ, किसी अमीर लड़की से शादी करो, या जम के काम करो जो बिना चोरी का जो दुनिया में अच्छा पैसा मिलता है शास्त्र अध्ययन पूरा होने तक। अमीर लड़की से शादी मात्र करने से होगा नहीं, वो ससुर को तैयार होना चाहिए देने के लिए, देते नहीं ससुर, इतना आसान नहीं है जिंदगी। बोलने के लिए बोल रहा, मतलब ये कोई भी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ये मर्ज हो जाता है, मतलब देखो मेरा 6:30 बजे विवाह था, मंगलसूत्र 6:29 तक मेरी बैंक अकाउंट अलग थी, पत्नी की अलग थी, 6:31 के बाद दोनों एक ही हो गया, एंड बाय लॉ मेरा जो भी है उस आधा उसका हो गया, उसके 1 मिनट पहले तक टाइम है, बैंक अकाउंट बचाना है भग लो, जैसे ही बंदा गए फिर जज पीछे पड़ेगा, दे उसको आधा, तो ये मर्ज हो जाता है, ये समाज में संवैधानिक किसके लिए वो है। तो फिर हम धन को कैसे देखेंगे, ये सब फिर शास्त्र अध्ययन में आएगा, इंटरप्रिटेशंस, यही मैं कह रहा था, कल चाहे तो उसको देख सकते हैं, आज टाइम हो रहा है, वो एक बनाया है शास्त्र अध्ययन में क्या क्या बाधा होता है, इश्यूज क्या क्या आती हैं, लगभग 9 और 7 या 8 हैं, फिर मनन में क्या क्या इश्यूज हैं 12 आता है, फिर साक्षात्कार से अवधारणा जाने में क्या इश्यूज आती है वो 4 है,
अवधारणा बोध में होने के लिए तीन है, बोध के बाद कोई इशू होता नहीं। ठीक है, तो ये इस वातावरण से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे हम ये कैसे करें जो बाबा जी ने बताया कि ये जो भौतिक वस्तु है, जो हमारा जॉब है, पैसा है, इसको हम साधन माने, साध्य नहीं है। ठीक है, समाज आपको तंग नहीं करेगा, अनलेस यू आर सिटिंग इन अफगानिस्तान और सीरिया। भारत ठीक है, आप रोड पे चल सकते हो, कोई छुरा नहीं मारेगा, आपके घर के ऊपर बॉम्ब नहीं गिर रहा है, बहुत है। पानी आ रहा है, बहुत दुनिया की स्थिति बहुत खराब है ना। पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, 300% 48% इन्फ्लेशन चल रहा है, सब कुछ 65%। सीरिया में पता ही नहीं चलता कौन किसको मारेगा, ढुप ढुप। तो अपन कम से कम सुरक्षित जगह पर है, कोई घुस भी जाएगा तो छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाएगा, बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम है, ये भी फर्क पड़ता है। हैं, करगिल में बैठ के अध्ययन कर रहे हो, थोड़ा तो बैकग्राउंड में रहेगा, एक ही पहाड़ है, उस तरफ पाकिस्तान है, कभी भी आएगा। और इधर बीच में बढ़िया छत्तीसगढ़ है ना, में बैठ के अध्ययन कर रहे हो तो शांत, कुछ कुछ आएगा ही नहीं इधर तक। तो वो ले लिया इंडिया ने S-400 सिस्टम, ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम ले लिया, इधर तक अभी आएगा नहीं मिसाइल। बाकी इकोनॉमी हमारी स्टेबल है, आपका आज का 100 रुपये अगले साल 93 रुपये होता है, ज़ीरो तो नहीं होता है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं। समाज आपको अध्ययन करने से नहीं रोकेगा। हाँ, यदि हम समाज के साथ ये रिलेशनशिप मानेंगे कि मैं समाज को ठीक करूँगा, तो कुंठित होंगे, क्योंकि समाज ठीक नहीं होने वाला हमारे करने से, हम उसको अपने कर्तव्य के रूप में करेंगे। मेरे बोलने से थोड़ी आप जागृत होने वाले, नहीं होने वाले, आपको और इरिटेशन ही होगा, मैं आपके पीछे पड़ गया, आप क्लास से गया हर मंडे में, आपको क्यों, अध्ययन किया, साक्षात्कार किया, कुछ समझ में आया, एवरी मंडे में 9 बजे सबको फ़ोन करूं तो कैसा होगा, वो ब्लॉक कर दोगे एक महीने बाद की सनक गैस का। नहीं होता है, लोगों के पीछे पड़ने से लोग जागृत होते हैं। आदमी एक डायनेमिक वस्तु है, जीवन अपने कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता के अनुसार चलेगा। यू कैन ओनली डायरेक्टली इम्पैक्ट फिजिकल थिंग्स टू द एक्सटेंट इट अलाउज यू टू इम्पैक्ट इट, है ना, उसके नियमानुसार उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये आम का पेड़ है, उसमें मैं पपीता लगाऊंगा, करो, नहीं होगा, उसका कोई नियम है, वैसे जीवन का नियम है, वो अपने से ही सेल्फ प्रोपेल्ड है। वो प्रभावित भी होगा तो प्रभावित होने की प्रक्रिया उसकी कुछ है, तो ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो मैं परिचय शिविर लिया 300 आदमी क्या, उसके बाद में देखो एक भी अध्ययन में न्याय में दुखी हो गया, नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी है वो। ठीक है, ये तो ये चार चीज़ें हमको ध्यान में रखने से जीने के चार आयाम स्तर है, उसमें से आपका कौन सा प्रायोरिटी है वो डिसाइड करना। आप कुछ परिस्थिति भी डिसाइड करेगा आपका, चार में आपकी परिस्थिति क्या है, आप विद्यार्थी बन के यहाँ बैठे हैं, अलग परिस्थितियाँ नहीं है, आप बढ़िया कर सकते हो, बच्चा पैदा हो गया उस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, शादी के अगले दिन अध्ययन शिविर में चले जाओगे ये चलेगा नहीं, घर ही पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा, तो ये परिस्थिति, उसी में चार अभ्यास और ये चार वातावरण है। तो सामाजिक वातावरण आपको तंग नहीं करेगा, इसको जो है पॉज बटन बना के उसको जो चल रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग, या ऐसा कोई काम ढूंढ लें जिनमें 5-6 घंटा बिना झूठ बोले चोरी किए हमारा पैसा आ जा रहा है, बस वो कोई मैंने दर्शन से जुड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता आपका परिस्थिति और मन ऐसा हो गया तो, जैसे मेरे लिए अनुकूलता आज तक बनी ही नहीं, मैं कुछ उत्पादन करूं, परिस्थिति ही नहीं बनी मेरी, मन भी नहीं बना। मैं 2010 में आया, मैं दर्शनी के पीछे पड़ा रहा, फिर 4 साल हम अमरकंटक में थे तो वहाँ तो उत्पादन की कोई स्कोप थी नहीं, बाबा जी का सेवा था और बाकी था, लोग आते जाते थे तो व्यवहार प्रधान था वहाँ पर। बाबा जी का शरीर शांत हो गया, हमारे भाई के वाइफ को कैंसर हो गया, मैं पूना चले गया, तो पूना में 1 साल में क्या अध्ययन कर, आपको पता है 1 ही साल के लिए हो तो क्या करोगे, घर की परिस्थिति ऐसे बन गई, पूरे दिन दवाखाना का चक्कर काटना, उसका दवाई दारू देखना, ये सब। उसके बाद हम लोग किरतपुर गए तो उधर उत्पादन कुछ शुरू हो गया था और समाज वाला बहुत सारा शुरू हो रहा था, पर
तो उसको मैं देख ही रहा था कि उसमें क्या करूँ, तो उसमें एक साल में बैठ के स्कैनिंग किया दर्शन का, 20,000 पेज को स्कैन करके उसको सॉर्ट करके अपलोड करना, 4-6 घंटा लगता है दिन में, बाकी टाइम बेटी को बाथरूम। अब मेरी बेटी जिस आयु की थी वो खुद से बोलेगी मैं यहाँ पेशाब नहीं करूँगी, यहाँ मतलब मेरे को 15 मिनट लगता था सवेरे उसको पेशाब करें, मैं पेशाब नहीं करूँगी, नहीं नहीं बेटा करो, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, स्कूल से निकलते फिर मैं सीटी मारता था तो पेशाब कर दी थी, तुमने मेरे से पेशाब क्यों कराया, बैठ के रोती थी है ना, झगड़ा करती थी मेरे साथ। तो ये सब परिस्थितियाँ होती है ना, आप किसी जगह जाओगे सेटल होने में साल भर लगता है। तो जो आइडियल वातावरण है अध्ययन के लिए, आइडियल वो जगह या स्थान में बौद्धिक वातावरण शास्त्र अध्ययन के लिए अनुकूल हो, व्यवहारिक वातावरण न्यायिक व्यवहार आचरण के लिए कम से कम उसमें निंदा स्पर्धा हीनता ये 3-4-5 चीज़ें ना हो, बाकी संबंध निर्वाह बहुत सूक्ष्म चीज़ है, किसी को हम अपने व्यवहार से संतुष्ट कर लेंगे उसमें बहुत सारा वेरिएबल है, हो सकता हम सही कर रहे हैं उसका अपेक्षा कुछ भी है, नहीं होगा संतुष्ट ठीक। और ये कार्य का वातावरण कम से कम अभ्यास के लिए जगह हो, इसीलिए मैं आप दोनों को पूछा कि कुछ कर रहे हो कि नहीं, यहाँ बढ़िया इतना सारा घास है, मैं तो पुणे में तरसता हूँ कुछ घास मिल जाए मैं काट दूँ, जगह ही नहीं है, है ना, 8x10 का प्लॉट 800 स्क्वायर फुट है, मैं ऐसा चलता हूँ ख़त्म हो जाता है, मैं क्या खे? तो अभ्यास के लिए उपाय ही नहीं है, कम से कम उसके लिए रहे, बाकी फिर अनुकूलताएँ आप किसी जगह में रहें तो हर जगह की अलग है, यहाँ आप क्या कर सकते हो, बेचने के लिए बाबा जी ने एक समृद्धि का वो बनाया काउंटर, तो उसकी विनिमय की अनुकूलता है, उसको स्टडी करना पड़ेगा वो कहाँ तक करता है नहीं करता है, उसको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा, इसीलिए दृष्टि परिवर्तन इम्पोर्टेंट है। फिर आप इधर बनाएंगे समृद्धि में कुछ देंगे फिर मंगाया 15% ले लिया उसने ना, तो कुछ मतलब ही नहीं है ना उसका, वो अध्ययन से ही उसका मैंने दृष्टि परिवर्तन होगा। अभी दुनिया में आदमी यही चार करता है, दर्शन भी इतना ही बोलता है, ये सब करने के बाद अनुभव है, अभी आदमी चारों में से कोई दो करता है। आप जब स्कूल में रहते हो तो एक करते हो और दो में समय देते हो, पिताजी माँ कुछ बोलते हैं, जैसे जैसे बड़े होता हो पोस्ट ऑफिस जाओ ये जाओ वो जिम्मेदारी होती है, कोई गेस्ट आता है पानी दे दो, एक और दो में करते हो, कोई ये नहीं बोलता तुम पैसा कमाओ दुनिया को बचाओ ठीक। जैसे ही विवाह होता है एक बंद हो गया, 2 और 3 उभर गया, तो यू हैव टू लिव इन 2 और 3, पूरी दुनिया इसी में जीती है। इसमें से जिन लोगों को लगता है समाज कार्य के लिए कुछ करना है वो फिर पढ़ने वाला मतलब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोलता नहीं पढ़ते हैं, पटो मैंने ज्ञान लो प्रायोरिटी में रहता है, और वो गृहस्थी और समाज में जीते हैं 3 और 4, ये NGO है, और 2 और 4 एंड पैसा जो है 3 वो कहीं से आता है, फंडिंग से आता है। यदि आप इस्कॉन चले जाओगे रामकृष्ण मिशन चले जाओगे कि मेरे को आध्यात्मिक जीवन जीना है, ये जो विद्यार्थी का जीवन है ये बौद्धिक से शुरू होकर आध्यात्मिक में जाता है ना, ये बौद्धिक से शुरू होगा और आध्यात्मिक में जाएगा। तो यदि आप रामकृष्ण मिशन या इस्कॉन जाओगे वो बोलेंगे कि इसके लिए ध्यान दो और समाज में प्रवचन करो सेवा करो, गृहस्थी होती नहीं क्योंकि इस दर्शन को छोड़ के अन्य सभी परंपराओं में जो अभ्यास का व्यक्ति है उसको सन्यासी ही होना पड़ता है ठीक। और ये जो है पुनः फंडिंग से मिलता है, आप रामकृष्ण मिशन जाओगे महीने में 20,000 रुपये मिलेगा, एक झोला भी दे देंगे बढ़िया है। तो यू ओनली हैव टू मैनेज टू, गृहस्थी को दो ही मैनेज करना पड़ता है, समाज सेवक को केवल इसको और इसको मैनेज करना पड़ता है ना, और अभी के जो आध्यात्मिक संस्थाएँ इसको और इसको मैनेज करना पड़ता है। मध्य दर्शन में चारों है, ऑप्शन नहीं है कि एक को डिलीट कर दे, इसीलिए जो मैं सुझा रहा हूँ कि टेक 2 at a time या 1 at a time, पहले एक के फोकस करो बाकी को पॉज बता दो, उस पर कुछ लगता अधिकार बन गया फिर दूसरे को खोलना। यदि ऐसा लगता है कि अभी अध्ययन नहीं हो पाएगा मैं पहले इसको करूँ तो ठीक है इसको पॉज करो इसको करो, फिर ये तंग नहीं करेगा, मैंने 3 साल से अध्ययन नहीं किया मैं उत्पादन में लगा दी, आपकी निर्णय थी, कम से कम असंतुष्टि तो नहीं होगी ठीक है। हो गया आपका भैया, ये
ये क्वेश्चन हमको तब पूछना चाहिए जब मेट्रो शहर छोड़ने की संभावना है। यदि संभावना नहीं है तो क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि उत्तर का कोई फायदा ही नहीं है, समझ रहे हैं? वो थियोरेटिकल उत्तर हो जाएगी। आइडियल मेट्रो और गांव की नहीं है, आइडियल है कि जिस स्थान में मानव ऐसा मिलेगा जो बौद्धिक और व्यवहारिक वाला करे। बात विनिमय योग्य समाज अभी है ही नहीं। अभी हमारे मित्र कुछ बन के कुछ साइट वाइट बनाने का कली बात की है, वो कितना सफल होगा, कितने लोग बेचते हैं, कितना चलता है, वो सब उसमें लगे हुए लोग, उसके उत्पादक और खरीदने वाले लोगों के दृष्टि पर निर्भर करेगा। साइट से विनिमय नहीं होता है, पहले से अमेजोन बना के रखा है, वो लाभ दृष्टि से है, सिस्टम से नहीं होता है। दृष्टि परिवर्तन होना पड़ेगा। दृष्टि परिवर्तन केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से तर्क आएगा। तर्क हमारे दृष्टि को बदलने के लिए जगह देता है या वो देता है, माने कारण। तो अभी हम जहां पर हैं, यदि वो इजीली डिस्टर्ब नहीं हो सकता है तो नहीं करना चाहिए। 2-3 वर्ष जो आपको, जब आपको लगता है कि मैं शास्त्र पर बढ़िया से दिन में अभी 4 घंटा में पढ़ लिया, मेरा हो गया, उसके बाद आप सोचिए जो परिस्थिति है उसके अनुसार कीजिए। अभी यदि संभावना है तो कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने किया, जिनके मैंने जिनकी आर्थिक ताकत थी और उनका मन बन गया, परिवार का मन बन गया, बहुत सारे लोगों ने सेटलमेंट्स बनाए। उनको लगा कि इस संस्था के आसपास रहे, है ना, कुछ वो बच्चों के लिए अच्छा वातावरण मिले, लोगों ने कर लिया। वो